नमस्कार, स्वागत है आपका आज के इस बेहतरीन मैच में। लखनऊ वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स। आज लखनऊ आज मैच जीतना बहुत जरूरी है यहाँ पे दिल्ली कैपिटल्स के लिए। चौके के साथ की है शुरुआत, बेहतरीन खूबसूरत ये शॉट पहले ही गेंद पर। लाजवाब ये शुरुआत। अच्छी शुरुआत कहेंगे यहाँ पे, नपी तुली शुरुआत यहाँ पे लखनऊ की। बेहतरीन रिकॉर्ड्स लखनऊ के यहाँ पे इस मैदान पर। ओवर की दूसरी गेंद, कोई रन नहीं। अच्छी शुरुआत यहाँ पे लखनऊ की। पहली गेंद पर चौके के साथ की थी शुरुआत। क्विंटन डिकॉक, thank you।
बेहतरीन शुरुआत यहाँ लखनऊ की। अच्छा अभी तक मैच घटा है लखनऊ के लिए। ये 34 पे पहुंच गई लखनऊ एक विकेट के नुकसान पर। अच्छा ओवर ये घटता हुआ, 6 रन आए अभी तक इस ओवर से 4 गेंदों में। केएल राहुल शुरुआत काफ़ी धीमी की थी, उसके बाद अच्छा छक्का लगाया था उन्होंने। वहीं देवदत्त पाडिकल, दोनों खिलाड़ी बेहतरीन फॉर्म में। यहाँ खूबसूरत ये गेंद, बेहतरीन ये चौका, यहाँ पे 4 रन मिलेगा। अच्छा शॉट था यहाँ पे केएल राहुल का। अब हाथ खोलने के मौके ढूंढ रहे हैं केएल राहुल भी, और ज़रूरत भी है उनकी टीम को। यहाँ पे 38 पे पहुंची है लखनऊ इस चौके के साथ। अच्छा घट रहा है उनके लिए पावर प्ले, ये बेहतरीन लाजवाब शुरुआत। यहाँ पे 10 रन आ चुके हैं अभी तक इस ओवर से। पहला झटका जरूर लगा क्विंटन डिकॉक के रूप में, उसके बाद अच्छी यहाँ पे बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में शॉट खेला, 4 रन बटोरे अपनी टीम के लिए। 9.91 यानी 10 के आसपास का रन रेट बना रही है लखनऊ सुपर जायंट्स। ओवर की आखिरी गेंद, 2 रन और मिलेंगे यहाँ पे केएल राहुल को। लाजवाब ये शॉट, खूबसूरत रनिंग बिटवीन द विकेट, चीते की रफ्तार से भागे दोनों बल्लेबाज, 2 रन पूरे किए। पिछले ओवर से आए 12 रन, 4 ओवर की समाप्ति यहाँ पे लखनऊ 40 पर 1। अच्छा घट रहा है ओवर लखनऊ के लिए, बेहतरीन शॉट मारा था आखिरी गेंद पर गली की दिशा में केएल राहुल ने, 2 रन बटोरे अपनी टीम के लिए। 10 रन दूर लखनऊ अपने अर्धशतक से। पहला झटका जरूर लगा पर यहाँ पे अच्छा बैकअप लिया यहाँ पे केएल राहुल ने। 228 की स्ट्राइक रेट से रन बना रहे हैं केएल राहुल। लखनऊ ने आज टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी का किया फैसला, और लखनऊ का रिकॉर्ड है अभी तक 160 से ऊपर रन जब भी बनाए लखनऊ ने, मैच नहीं आ रही है लखनऊ। और यहाँ अच्छी शुरुआत, यहाँ पे 160 तो यहाँ से आराम से दिख रहे हैं लखनऊ को। जी हाँ बेहतरीन शुरुआत। यहाँ देवदत्त पाडिकल अभी खामोश हैं, 4 गेंदे खेलिए 3 रन बनाए। वहीं गेंदबाजी में परिवर्तन, ईशांत शर्मा 19 रन दिए उन्होंने 2 ओवर में, काफ़ी महंगे साबित हुए अभी तक, कोई विकेट नहीं लिया है। यहाँ और विकेट की तलाश होगी दिल्ली कैपिटल्स को। खलील अहमद को लाया गया गेंदबाजी करवाने के लिए 5वें ओवर। ओवर की शुरुआत वाइड गेंद के साथ, 1 रन मुफ्त के मिले यहाँ पे लखनऊ को। खराब ये शुरुआत खलील अहमद का, वाइड गेंद के साथ किया शुरुआत। यहाँ अच्छा संभल के करनी होगी बल्लेबाजी, और उतनी संभल के यहाँ पे गेंदबाजी करनी होगी दिल्ली कैपिटल्स को। 160 के पार लखनऊ पहुँच गई तो उनको हराना नामुमकिन है, अभी तक का इतिहास है, रिकॉर्ड है लखनऊ का। खराब शुरुआत अभी तक दिल्ली कैपिटल्स के लिए, 1 विकेट झटके जरूर हैं पर काफ़ी रन दे चुके हैं इस पावर प्ले में। दोबारा से डालनी होगी पहली गेंद ओवर की खलील अहमद को, 1 झटका दिया है खलील अहमद ने, हालांकि 2 ओवर में 22 रन दिए। ओवर की शुरुआत, पहली गेंद, कोई रन नहीं, खूबसूरत ये गेंद खलील अहमद की। देवदत्त पाडिकल ने जाने दिया गेंद को, छेड़छाड़ करने की कोशिश नहीं की गेंद के साथ। 9.84 की रन रेट, 10 की बेहतरीन, काफ़ी ऊंची फेंकी थी गेंद खलील अहमद ने पहली। यहाँ देखना होगा, यहाँ कुछ करिश्मा करना होगा खलील अहमद को, एक और झटका देना होगा यहाँ पे लखनऊ को अगर मैच में थोड़ी भी वापसी करना चाहती है दिल्ली तो। हालांकि अभी तक अच्छा नहीं बीता है दिल्ली कैपिटल्स का ये टूर्नामेंट, अभी तक 5 मैचों में 1 मैच जीत मिली है, 6ठा मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स का, टेबल के सबसे लोअर एंड पे दिल्ली कैपिटल्स। ओवर की दूसरी गेंद, जोरदार अपील यहाँ गेंदबाज की, क्या फैसला होगा अंपायर का, जी हाँ आउट करार दिया, दूसरा झटका यहाँ लखनऊ को। अच्छी गेंद, खूबसूरत गेंद खलील अहमद की, यहाँ LBW आउट करार दिया, बेहतरीन लाजवाब गेंदबाजी खलील अहमद द्वारा, दूसरा झटका लगाया यहाँ पे लखनऊ को 41 रन के स्कोर पर। और यहाँ देवदत्त पाडिकल को वापस जाना होगा, रिव्यू भी नहीं लिया, साफ तौर पे आउट था। दूसरा विकेट दिलाया खलील अहमद ने, अच्छी शुरुआत अब दिल्ली कैपिटल्स की, जरूरत थी इस विकेट की, हालांकि देख रहे थे बल्लेबाज यहाँ रिव्यू के लिए। केएल राहुल से काफ़ी देर बात की खलील अहमद ने, लेकिन केएल राहुल ने मना किया उनको रिव्यू के लिए। साफ तौर पे यहाँ पे गिरा, बेहतरीन झटका, खूबसूरत ये गेंद खलील अहमद की। अच्छी शुरुआत दिल्ली कैपिटल्स की हो चुकी है, अब 2 झटके दे चुके हैं यहाँ पे। लाजवाब गेंदबाजी खलील अहमद, काफ़ी उम्मीदें थी, पिछले मैच में भी कमाल किया था खलील अहमद ने, यहाँ भी कमाल कर रहे हैं, कमाल की गेंदबाजी।
वहीं लखनऊ को दूसरा झटका लगा 41 पे। अच्छा शुरुआती ओवर अच्छा घट रहा था मैच, दो झटके लखनऊ के लिए। देवदत्त पाडिकाल 6 गेंदे 3 रन, खराब शुरुआत, खराब मामूली बल्लेबाजी देवदत्त पाडिकाल की। अब आए हैं ताबड़तोड़ बल्लेबाज स्टॉइनिस, जिनका साथ देंगे केएल राहुल। अच्छे बल्लेबाज हैं स्टॉइनिस, बड़े बड़े शॉट्स लगाते हैं यहाँ पे। एक और विकेट की तलाश जरूर कर रही होगी दिल्ली पावर प्ले के अंदर। पांचवा ये ओवर, एक और ओवर शेष पावर प्ले में। लखनऊ 41 रन बना लिए जरूर, लेकिन दो विकेट यहाँ पे दे दिया उन्होंने अपना। शुरुआती रिदम टूट गया लखनऊ का भी, पर केएल राहुल जम के टिके हुए एकदम। 7 गेंदों में 16 रन बना के खेल रहे हैं। एक छक्का एक चौका लगाया उन्होंने, 228 की ऊपर की स्ट्राइक रेट। यहाँ खलील अहमद कराएंगे स्टॉइनिस को गेंदबाजी, ओवर की तीसरी गेंद होगी। लखनऊ को यहाँ पे 160 क्रॉस करना है, क्योंकि रिकॉर्ड है यहाँ पे लखनऊ का। जब जब वो 160 के ऊपर गए हैं तब तब वो मैच जीते ही जीते हैं। 160 आराम से डिफेंड कर लिया है लखनऊ ने, गजब का इतिहास लखनऊ का यहाँ पे इस स्टेडियम में, इस मैदान पर। ओवर की तीसरी गेंद यहाँ मिसफील्ड हुई, एक रन आसानी से मिलेगा स्टॉइनिस को। एक रन के साथ खाता खोला स्टॉइनिस ने, और एक कैच ड्रॉप हुआ था यहाँ पे स्टॉइनिस का। पहली गेंद पर चलता कर सकते थे यहाँ पे फील्डर, ये कैच नहीं मैच ड्रॉप होते हैं दिल्ली कैपिटल्स। ये कैच करना चाहिए था खलील अहमद को, कॉटन बोल्ड करने का मौका मिला था, कैच छूटा यहाँ पे। साधारण सा कैच था खलील अहमद के लिए, यहाँ कैच करते तो मैच बना सकते थे दिल्ली। हालांकि काफ़ी मुश्किल होता है तेज गेंदबाज को कॉटन बोल्ड करना, क्योंकि काफ़ी तेज़ी से रनिंग करके आते हैं वो, और उसके बाद खुद की गेंद पर खुद कैच करना। हालांकि साधारण सी कैच थी ये खलील के लिए, पकड़ना चाहिए था उन्हें। इसका खामियाजा जरूर भुगतना पड़ेगा दिल्ली कैपिटल्स को। ओवर की चौथी गेंद करवाएंगे, और ये खूबसूरत चौका, बेहतरीन शॉट यहाँ पे मार्कस स्टॉइनिस द्वारा, माफ कीजिएगा केएल राहुल द्वारा। रन में पहुंच गए केएल राहुल, बड़े बड़े शॉट्स लगा रहे हैं। 20 रन पर पहुंच गए केएल राहुल, सिर्फ 8 गेंदों का किया है सामना। 250 की स्ट्राइक रेट से रन बना रहे केएल राहुल। खूबसूरत अच्छी गेंद थी ये, पर क्या बेहतरीन शॉट, स्ट्रेट एकदम सामने गेंदबाज के सर के ऊपर से खेला। ज़्यादा रिस्क भी नहीं ले रहे, साधारण शॉट लगा रहे हैं केएल राहुल। आज लगता है फॉर्म में है, बड़े स्कोर बनाने की तरफ देख रहे हैं केएल राहुल। उनकी वाइफ आकिया सेट्टी भी आई है यहाँ मैदान पर उनको सपोर्ट करने के लिए। आज करिश्मा करेंगे राहुल। ओवर की पांचवी गेंद, एक रन के साथ स्ट्राइक चेंज किया केएल राहुल ने। बेहतरीन ये तालमेल दोनों बल्लेबाजों का, बेहतरीन रणनीति, बाउंड्री लगाते ही तुरंत यहाँ चेंज किया स्ट्राइक। ये भारी पड़ेगा कैच छोड़ना मार्कस स्टॉइनिस का, खलील अहमद का। अच्छा मौका मिला था यहाँ पे झटका लेने का, तीसरा विकेट ले सकते थे खलील अहमद। मिड विकेट की दिशा में शॉट खेला था यहाँ पे केएल राहुल ने, एक रन बटोरे थे पांचवें गेंद पर। आखिरी गेंद शेष, 7 रन आए अभी तक इस ओवर से, एक झटका भी लगा चुके हैं वो। सामने होंगे मार्कस स्टॉइनिस, जिनका कैच छोड़ा था। देखने वाली बात, क्या कर करिश्मा कर पाएंगे। एक और विकेट की तलाश जरूर होगी दिल्ली को, कोई रन नहीं। खूबसूरत ये गेंद, और उतने ही खूबसूरत तरीके से जाने दिया स्टॉइनिस ने, छेड़छाड़ करने की कोशिश भी नहीं की गेंद को। अच्छी शुरुआत यहाँ पे स्टॉइनिस की, अच्छी गेंद थी और उसको जाने दिया यहाँ पे कीपर के पास, दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान ऋषभ पंत के पास। 5 ओवर की हुई समाप्ति, लखनऊ 47 रन 2 विकेट के नुकसान पर। लाजवाब शुरुआत यहाँ लखनऊ की, 2 विकेट दिए जरूर हैं, पर 9.40 की रन रेट से, 9.5 के रन रेट से रन बना रहे हैं। अच्छी शुरुआत कह सकते हैं यहाँ पे, खास करके केएल राहुल सेट हो चुके हैं, 9 गेंदें खेली है, 21 रन बनाए उन्होंने। आज टॉस जीता लखनऊ ने, पहले किया बल्लेबाजी का फैसला। ये मैदान ही ऐसा है, यहाँ जो भी टॉस जीतता है पहले बल्लेबाजी चुनता है। वहीं बेहतरीन शुरुआत यहाँ पे अभी तक, 47 पर 2 विकेट हुए हैं। 6वां ओवर किससे कराएंगे, ईशांत शर्मा काफ़ी महंगे साबित हुए हैं दिल्ली के लिए। यहाँ देखना होगा क्या गेंदबाजी में चेंज करेंगे ऋषभ पंत, हालांकि ज़्यादा चेंजेस नहीं करते ऋषभ पंत, ये उनकी खूबी नहीं खामी है, क्योंकि गेंदबाजी में चेंज करेंगे तो विकेट मिलने के आसार होंगे, विकेट मिलने के चांस होंगे यहाँ पे। देखना होगा ओवर की पहली गेंद, मुकेश कुमार के हाथ में गेंद, पहली गेंद पर खूबसूरत ये चौका। आज नहीं रुकने वाले केएल राहुल, लगातार बड़े बड़े शॉट खेल रहे हैं,
डाउन द ग्राउंड शॉट खेल रहे हैं। एक और चौका मिला यहाँ पे लखनऊ को। इस चौके के साथ लखनऊ ने अपना अर्धशतक पूरा किया, 51 रन बहुत बना लिया यहाँ पे लखनऊ ने। अच्छी गेंद थी यहाँ पे मुकेश कुमार की, गेंद को बस दिशा दी यहाँ पे, फाइन लेग की दिशा में 4 रन बटोरे किया राहुल ने। अच्छी शुरुआत ओवर की चौके के साथ। केएल राहुल आज लाजवाब फॉर्म में दिख रहे हैं, बेहतरीन फॉर्म में दिख रहे हैं, अच्छे रन बटोरे यहाँ पे अपनी टीम के लिए। और आगे कुछ को कमाल दिखाना होगा कि अल्लाह को, आज बड़ी पारी खेलनी होगी, काफ़ी जिम्मेदारी आज उनके ऊपर। ओवर की दूसरी गेंद, एक और ख़राब गेंद और एक और खूबसूरत चौका, दो बैक टू बैक बाउंड्रीज यहाँ के राहुल के बल्ले से, लगातार दो चौके मार चुके हैं के राहुल। संभलने का मौका नहीं दे रहे यहाँ पे गेंदबाज को, दो चौके लगा चुके हैं दो गेंदों पर। 55 पर पहुंची लखनऊ, 29 पे केएल राहुल। अच्छी गेंद थी फिर से मुकेश कुमार की, पर मिड ऑफ की दिशा में गैप ढूंढा और एक खूबसूरत सा चौका मार दिया। 55 पे पहुंच गई लखनऊ, काफ़ी खुश हैं उनके फैंस, काफ़ी शोरगुल मैदान में स्टेडियम में, और हो भी क्यों ना, खूबसूरत मैच घटता हुआ लखनऊ के फेवर में। अभी तक 55 रन बना चुकी है, दो विकेट दिए जरूर हैं पर अच्छी पोजिशन में। पावर प्ले का ये आखिरी ओवर मुकेश कुमार का, काफ़ी महंगा ओवर साबित होता हुआ अभी तक, दो गेंदे कराई है, 8 रन दिए हैं। यह उम्मीद होगी विकेट्स की, जरूर तलाश रहे होंगे विकेट्स। ओवर की तीसरी गेंद कराएंगे मुकेश कुमार, सामने होंगे केएल राहुल, दो चौके मार चुके हैं दो गेंदों पर, जिस गेंद पर कोई रन नहीं। अच्छी गेंद थी मुकेश कुमार की, अच्छा खेला केएल राहुल ने, जोखिम नहीं ले रहे केएल राहुल, साधारण बल्लेबाजी कर रहे हैं, हालांकि 241 के ऊपर की स्ट्राइक रेट है, खूबसूरत बल्लेबाजी यहाँ पे। 55 पे लखनऊ दो विकेट के नुकसान पर, अच्छा ये पावर प्ले घटता हुआ लखनऊ के लिए अभी तक, अच्छी गेंदबाजी कह सकते हैं यहाँ पे दिल्ली कैपिटल्स की, दो विकेट लिए जरूर खलील अहमद ने। अच्छी गेंद थी, बस टच किया था, सामने की तरफ खेलने गए थे केएल राहुल। ओवर की चौथी गेंद, फिर से कोई रन नहीं, अच्छा बैकअप किया यहाँ पे मुकेश कुमार ने। शुरुआत खराब जरूर थी पर यहाँ अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं पिछले दो गेंदों से केएल राहुल, फिर से गेंद के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे। यहाँ दो बड़े शॉट आ चुके हैं ओवर में, ज़्यादा यहाँ पे कुछ करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं केएल राहुल। 55 पे पहुँच चुके हैं लखनऊ दो विकेट के नुकसान पर, कवर्स की दिशा में थोड़ा सा शॉट खेला था, रन नहीं भागे केएल राहुल। अच्छा ये डिसीजन, अच्छा तालमेल दोनों बल्लेबाजों का। 55 पे पहुंच चुकी है लखनऊ दो विकेट के नुकसान पर, दो गेंदे शेष पावर प्ले में और छठे ओवर में। अच्छी पोजीशन में लखनऊ यहाँ पे, केएल राहुल कप्तान अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, अच्छे फॉर्म में दिख रहे हैं आज। ओवर की पांचवी गेंद कराएंगे, फिर से केएल राहुल सामने, बॉल को टहलाया यहाँ पे, एक रन बटोरने में कामयाब, एक रन मिला और लखनऊ को, 9 रन आ चुके हैं अभी तक इस ओवर से। अच्छा ये ओवर घट रहा है लखनऊ के लिए, बड़ा ओवर ये लखनऊ के लिए अभी तक, खूबसूरत शुरुआत। एक गेंद शेष है यहाँ पावर प्ले में, केएल राहुल अब स्टॉइनिस करेंगे सामना आखिरी गेंद का मुकेश कुमार के। खराब शुरुआत यहाँ पर मुकेश कुमार की, 9 रन दे चुके हैं पहले ही ओवर में, और सामने स्टॉइनिस दो गेंदों में 1 रन बना के खेल रहे हैं। काफ़ी उम्मीदें होगी आज यहाँ पे लखनऊ को स्टॉइनिस से, क्योंकि शुरुआत में दो झटके लग चुके हैं यहाँ पे लखनऊ को 56 रन पे। यहाँ विकेट बचा के खेलना होगा स्टॉइनिस को, हालांकि टिक जाते हैं स्टॉइनिस तो बड़े बड़े शॉट्स मारते हैं, और आज भी कमाल करना होगा। ओवर की आखिरी गेंद मुकेश कुमार की, पावर प्ले की आखिरी गेंद, सामने स्टॉइनिस, 1 रन और मिलेंगे, स्ट्राइक अपने पास रखेंगे स्टॉइनिस। अच्छी बात ये, बड़ा जोखिम लेने नहीं गए, यहाँ ज़रूरत भी नहीं है जोखिम लेने की, साधारण सी बल्लेबाजी करके आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि केएल राहुल बड़े बड़े शॉट खेल ही रहे हैं। 6 ओवर की भी समाप्ति, पावर प्ले समाप्त यहाँ पे, लखनऊ 57 रन 2 विकेट के नुकसान पर, 9.5 की रन रेट से रन बना रहे हैं यहाँ पे लखनऊ, बेहतरीन ये बल्लेबाजी यहाँ पे लखनऊ की। पिछले ओवर से 10 रन आए, उसके पिछले ओवर से 7 रन आए थे, अच्छा घटता हुआ अभी तक ये मैच लखनऊ के फेवर में। लखनऊ ने आज टॉस जीता, पहले किया बल्लेबाजी का फैसला, और अभी तक ये फैसला उनके पक्ष में घूमता हुआ। अच्छी शुरुआत यहाँ पे लखनऊ की, लाजवाब शुरुआत कह सकते हैं। मुकेश कुमार पहला ओवर, महंगा ओवर, 10 रन दिए उन्होंने,
वहीं केएल राहुल 14 गेंदों में 30 रन बना के खेल रहे हैं। बेहतरीन शुरुआत, लाजवाब शुरुआत, यहाँ पे एक छक्का, चार चौका लगा चुके हैं। हालांकि चार चौके एक छक्के लगाए जरूर हैं, पर अभी तक इन्होंने कोई रिस्क नहीं लिया है, कोई ख़राब शॉट नहीं खेला है। वहीं गेंदबाजी में तब्दील, अक्षर पटेल को लाया गया है, स्पिन गेंदबाज को इंट्रोड्यूस किया गया है। मार्केस स्टोइनिस होंगे सामने, अक्षर पटेल की पहली गेंद, कोई रन नहीं, अच्छी गेंद, खूबसूरत गेंद थी, जाने दिया स्टोइनिस ने, पल्ले का बस थोड़ा सा पार्ट लगा यहाँ पे गेंद पर। अच्छी शुरुआत यहाँ पे अक्षर पटेल द्वारा, बॉल काफ़ी घूमी, दूसरी गेंद, फिर से कोई रन नहीं, दो डॉट गेंदे, अच्छी शुरुआत, और सबसे अच्छी बात यह कि गेंद घूम रही है मैदान पर, काफ़ी मदद मिलेगी यहाँ पे। कवर्स की दिशा में खेला था शॉट अक्षर पटेल ने, कोई रन नहीं लिया, माफ़ कीजिएगा स्टोइनिस ने। ओवर की तीसरी गेंद, यहाँ पे फिर से शॉट खेला, एक रन बटोरने में कामयाब बल्लेबाज। अच्छी शुरुआत यहाँ पे अक्षर पटेल के ओवर की, बॉल काफ़ी हद तक घूम रही है अक्षर पटेल के हाथों में, 58 पे पहुँच चुकी है लखनऊ 2 विकेट के नुकसान पर। पावर प्ले ख़त्म हो चुका है, अब 7वां ओवर ये बीतता हुआ। अच्छी शुरुआत, अभी तक एक रन आए इस ओवर से, 58 पे पहुँचे, अच्छी गति से करवाते हैं यहाँ पे अक्षर पटेल गेंदबाजी, उनके पास गति है, 95-100 की स्पीड से गेंदबाजी करवाते हैं। और यहाँ केएल राहुल करेंगे सामना अब अक्षर पटेल का, दोनों भारतीय खिलाड़ी, बड़ा शॉट मारने की कोशिश करेंगे जरूर, जी नहीं, चौथी गेंद, एक रन और मिला यहाँ पे लखनऊ को, 59 पे पहुँच चुकी है लखनऊ 2 विकेट के नुकसान पर। 31 पर पहुँचे केएल राहुल, अच्छा ये घट रहा है दिल्ली कैपिटल्स के लिहाज से ओवर, यह जरूर अक्षर पटेल 1 विकेट की तलाश कर रहे होंगे, जी हाँ जरूरत है यहाँ पे दिल्ली कैपिटल्स को 1 विकेट की, खासा जरूरत यहाँ पे दिल्ली कैपिटल्स को 1 विकेट की। ओवर की 5वीं गेंद, स्टोइनिस नहीं मानने वाले यहाँ पे, खूबसूरत यह चौका लखनऊ के फेवर में आता हुआ, बेहतरीन शॉट खेला यहाँ पे, जोखिम लिया, रिस्क लिया स्टोइनिस ने और जड़ दिया ये खूबसूरत चौका। अच्छा ये शॉट था, बेहतरीन शॉट यहाँ पे स्टोइनिस द्वारा, गेंदबाज के सर के ऊपर से मारा था चौका। अच्छी शुरुआत की, धीमी शुरुआत जरूर थी यहाँ पे, ओवर की आखिरी गेंद, कोई रन नहीं, जयम जी नहीं, यहाँ पे मिसफील्ड होते हुए, एक रन जरूर मिलेगा यहाँ पे, लेग बाई सिग्नल का इशारा अंपायर द्वारा। 7 रन आए पिछले ओवर से, 7 ओवर की समाप्ति, लखनऊ 64 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अच्छा ये घटा फिर भी ओवर, ज़्यादा रन नहीं दिए, यहाँ विकेट की तलाश है दिल्ली को, आखिरी गेंद पर छकाया था थोड़ा सा, अपील करने गए थे वहाँ पे, जी हाँ गेंदबाजी में परिवर्तन, पहली बार इस आईपीएल सीजन में गेंदबाजी करवाने आए हैं कुलदीप यादव, अच्छे गेंदबाज, भारतीय खिलाड़ी, बेहतरीन गेंदबाजी करवाते हैं ये, पहला ओवर डाले आए कुलदीप यादव अपना, अभी तक मिस किया इन्होंने उनको बहुत दिल्ली कैपिटल्स ने, एक भी मुकाबला नहीं खेल पाए पहला मुकाबला खेलते हुए, बेहतरीन ये गेंदबाज हैं, अच्छे स्पिनर हैं भारतीय क्रिकेट के, सामना करेंगे इनके मार्केस स्टोइनिस, यहाँ विकेट की तलाश जरूर कर रही है दिल्ली कैपिटल्स और ज़रूरत भी है उन्हें विकेट की, जी हाँ बहुत ज़रूरत है यहाँ पे 1 विकेट और यहाँ से मैच थोड़ा सा शायद दिल्ली कैपिटल्स के पक्ष में आए, अभी तक काफ़ी दूर है दिल्ली कैपिटल्स के, क्योंकि लखनऊ जब जब लखनऊ ने 160 प्लस रन बनाए हैं तब तक चेस किया है। यहाँ पहली गेंद कुलदीप यादव की, बेहतरीन शॉट, एक रन ही बटोर पाएंगे स्टोइनिस, स्ट्राइक चेंज किया, केएल राहुल आएंगे सामने, अब दोनों भारतीय खिलाड़ी अब आमने सामने, केएल राहुल और कुलदीप यादव, खूबसूरत गेंद थी, हालांकि वाइड दिशा में गेंद थी, एक्स्ट्रा कवर्स की दिशा में खेला था, एक रन चुराया था पहली गेंद पर स्टोइनिस ने। दूसरी गेंद कराएंगे यहाँ पे केएल राहुल होंगे सामने, कुलदीप यादव, विकेट की तलाश जरूर होगी यहाँ पे कुलदीप यादव की, और चाहिए भी, यहाँ जरूरत भी है विकेट की। दूसरी गेंद, एक और रन, अच्छा शॉट ये केएल राहुल का, एक रन लेने में कामयाब, 66 पे पहुंची लखनऊ 2 विकेट के नुकसान पर। अच्छी शुरुआत अभी तक होते हुए, स्टोइनिस 8 रन पे पहुंचे हैं, 9 गेंदों का सामना किया है, थोड़ी धीमी बल्लेबाजी स्टोइनिस की, जरूरत भी यहाँ पे। ओवर की तीसरी गेंद, बॉल हवा में, बेहतरीन शॉट लगाने गए थे मार्केस स्टोइनिस और गवाया अपना विकेट, यहाँ विकेट की तलाश थी दिल्ली कैपिटल्स को, मिला उनको विकेट, बड़ा झटका ये लखनऊ सुपर जायंट्स को,
यहाँ आते ही कुलदीप यादव ने विकेट दिलाया। पहला मैच खेल रहे थे इस आईपीएल सीजन का, पहला ओवर और ये बेहतरीन आउट। जी हाँ, खेलने कहीं और गए थे स्टोनिस, खेल कहीं और बैठे। गली की दिशा में गई गेंद और साधारण सा कैच यहाँ पे ईशांत शर्मा ने पकड़ा। तीसरा झटका लगाइए, खूबसूरत गेंदबाजी कुलदीप यादव की, बड़ा झटका ये स्टोनिस के रूप में। थोड़ी सी फंसती हुई यहाँ पे लखनऊ की टीम, अच्छी बल्लेबाजी की है स्टोनिस ने, आज ये फंसते हुए दिख रहे हैं। 25 रन की पार्टनरशिप हो चुकी थी, हाँ 10 गेंदों में 8 रन बना के खेल रहे थे। धीमी शुरुआत जरूर की थी स्टोनिस ने, पर अब आए निकोलस पूरन, आखिरी खतरनाक बल्लेबाज ये लखनऊ के। यहाँ अगर विकेट लेने में और कामयाब होती है दिल्ली कैपिटल्स तो मैच बना सकती है दिल्ली कैपिटल्स। अच्छी गेंदबाजी, खूबसूरत गेंदबाजी यहाँ पे लखनऊ सुपर जायंट्स, यहाँ 66 पे तीसरा विकेट गंवाया उन्होंने। अच्छी गेंद थी कुलदीप यादव की, 95 की रफ्तार से गेंद थी, फंसाया वहाँ पे, बड़ा शॉट मारने गए थे वहाँ पे स्टोनिस। अब निकोलस पूरन करेंगे कुलदीप यादव का सामना, जरूर और विकेट तलाश करेगी यहाँ दिल्ली कैपिटल्स। काफ़ी नाखुश होंगे यहाँ पे लखनऊ के फैंस, और होना भी चाहिए, खराब शॉट खेल के आउट हुए हैं वहाँ पे मार्कस स्टोनिस। काफ़ी उम्मीदें बांध रखे थे, पर केएल राहुल एक छोर पे तैनात मुस्तैद एकदम, 16 गेंदों का किया है सामना, 32 रन बनाए, 4 चौके 1 छक्का, बेहतरीन बल्लेबाजी अभी तक। यहाँ 3 गेंदे शेष अभी भी इस ओवर में, ओवर की दूसरी गेंद और एक और झटका यहाँ पे निकोलस पूरन को, आते के साथ ही उनको वापस भेजा, आए पूरन और गए पूरन, बोल्ड मारा यहाँ पे, गजब की गेंदबाजी कुलदीप यादव की। चौथा झटका यहाँ पे लखनऊ को, मात्र 66 रन पे बिखरती हुई यहाँ पे लखनऊ की टीम। जी हाँ, काफी साधारण बल्लेबाजी यहाँ पे लखनऊ की, खूबसूरत गेंद कुलदीप यादव, बॉलर ऑफ द डे, पहला मैच खेल रहे इस आईपीएल सीजन का, पहला ही ओवर करवा रहे थे, 2 झटके, बड़े झटके यहाँ पे लखनऊ को दिए उन्होंने। लाजवाब गेंदबाजी यहाँ पे कुलदीप यादव द्वारा, 2 गेंदों में 2 विकेट, हैट्रिक का चांस यहाँ पे, यहाँ हैट्रिक लेके इस आईपीएल सीजन की पहली हैट्रिक लेंगे कुलदीप यादव। कल जसप्रीत बुमराह को भी 2 मौके मिले थे पर वो कामयाब नहीं हो पाए थे, आज यहाँ पे पहला मौका बनाते हुए कुलदीप यादव। काफ़ी ख़राब गेंद बल्लेबाजी यहाँ पे निकोलस पूरन की, पहली गेंद पर वापस जाना होगा उन्हें, काफ़ी नाखुश होंगे यहाँ पे लखनऊ के फैंस पूरन से, काफ़ी उम्मीदें थी, अच्छा घटा ही आईपीएल सीजन पूरन का। खूबसूरत गेंदबाजी अभी तक कहेंगे दिल्ली कैपिटल्स की। कुलदीप यादव के आते के साथ ही मैच में दम दिख रहा है यहाँ पे, मैच बना रहे हैं कुलदीप यादव यहाँ पे दिल्ली कैपिटल्स के लिए। अच्छी शुरुआत, लाजवाब शुरुआत यहाँ पे दिल्ली कैपिटल्स की, 4 झटके लग चुके हैं यहाँ पे, अगले बल्लेबाज कौन आएंगे, पहली ही गेंद पर चलता किया निकोलस पूरन को। यहाँ दीपक हुडा आए बल्लेबाजी करने, सामना करेंगे कुलदीप यादव का, हैट्रिक बॉल का चांस यहाँ पे कुलदीप यादव का, ये आईपीएल की, इस आईपीएल सीजन की पहली हैट्रिक हो सकती है। कुलदीप यादव बेहतरीन फॉर्म में, खूबसूरत लाजवाब गेंदबाजी यहाँ पे कुलदीप यादव द्वारा। एक और झटका देके बिल्कुल पूर्ण विराम लगाने की कोशिश करेंगे लखनऊ पे, हालांकि कमाल घटा था अभी तक लखनऊ के लिए मैच ये, अच्छे रन बना रहे थे, अच्छी बल्लेबाजी चल रही थी, पर यहाँ पे फंसे, हैट्रिक बॉल यहाँ पे कुलदीप यादव के लिए, 2 रन दिए अभी तक इस ओवर में, 2 बेहतरीन विकेट चटकाए यहाँ पे कुलदीप ने। 8वां ओवर काफ़ी ख़राब साबित हुआ लखनऊ के लिए अभी तक, यह उम्मीद होगी यहाँ संभल के खेलने की अब आगे से, क्योंकि बड़े बड़े झटके लग चुके हैं यहाँ पे, काफ़ी टाइम ले रहे हैं, फील्डिंग सेट कर रहे हैं यहाँ पे कुलदीप यादव, और ज़रूरत भी है, हैट्रिक गेंद पर हैं वो, ये आईपीएल सीजन की पहली हैट्रिक हो सकती है। 5वीं गेंद करवाने के लिए तैयार यहाँ कुलदीप यादव, सामने होंगे दीपक हुडा, नए बल्लेबाज, अभी तक कुछ कमाल नहीं किया इन्होंने बल्लेबाजी से इस आईपीएल सीजन में, आज जरूरत भी है। जी नहीं, टाइम आउट का इशारा अंपायर द्वारा, 2.5 मिनट का अंतराल लेंगे, और सही भी है, यहाँ टाइम आउट का इस्तेमाल कर भी लेना चाहिए, क्योंकि विकेट्स यहाँ पे ढंग से लग नहीं रही, विकेट उखाड़ दिया था कुलदीप यादव ने, अच्छी रफ्तार से गेंद थी, 115 की रफ्तार से गेंद फेंकी थी।
ऑफ स्टंप को उखाड़ दिया था वहां पे। काफी महंगे आते हैं अब ये विकेट्स भी, 20-25 लाख रुपए के विकेट्स होते हैं आईपीएल्स में भी। देखने वाली बात होगी, दो विकेट लेके चटका कर खेल रहे हैं यहाँ पे कुलदीप यादव। लाजवाब प्रदर्शन उनका, 66 पे लखनऊ 4 विकेट के नुकसान पर। खराब घटा ये पिछला ओवर, और ये भी ओवर खराब घटता हुआ उनके लिए। पहले खलील अहमद 2 विकेट ले चुके हैं, वहीं अब कुलदीप यादव 2 विकेट लेकर के खेल रहे हैं। हैट्रिक के चांस पे हैं वो अपना। दीपक हुडा, केएल राहुल 16 गेंदे 32 रन, 4 चौके 1 छक्के, 200 की स्ट्राइक रेट। लखनऊ ने पहले टॉस जीता, पहले किया बल्लेबाजी का फैसला, और लखनऊ का रिकॉर्ड रहा है जब जब लखनऊ 160 प्लस बनाई है उसको डिफेंड किया है लखनऊ ने। जब से ये टीम का इन्वेंशन हुआ है पिछले 3 सालों में, अभी तक एक भी मैच नहीं हारी है 160 प्लस बनाने के बाद। आराम से उसको चेस कर लेती है लखनऊ, और 160 प्लस चेस भी कर लेती है और डिफेंड भी कर लेती है 160 प्लस। क्या आज 160 प्लस जा पाएगी लखनऊ? शुरुआत तो काफ़ी अच्छी हुई है लखनऊ के लिए अभी तक, अच्छा घटाई है मैच। देखने वाली बात होगी आगे और क्या कमाल कर सकते हैं लखनऊ के बल्लेबाज। यहाँ बड़े शॉट्स की उम्मीद होगी अभी भी। सबसे अहम बात ये, अभी कप्तान केएल राहुल बल्लेबाजी कर रहे हैं। कुछ ही सेकेंड शेष टाइम आउट की समाप्ति में, यहाँ विकेट्स लग चुका है मैदान पर। अब जरूर यहाँ पे देख रहे होंगे काफ़ी उत्साह यहाँ पे दिल्ली कैपिटल्स के फैंस में, काफ़ी खुश यहाँ पे गेंदबाजी से, और होना भी चाहिए। जिस तरह का ये मैच घटा है दिल्ली कैपिटल्स के फैंस को खुश भी होना चाहिए। पूरी तरीके से ये मैच अभी तक उनके पक्ष में है। जी हाँ, 10 सेकेंड शेष और यहाँ पे टाइम आउट समाप्त होने में। दिल्ली कैपिटल्स पहली बार इतनी बेहतरीन फॉर्म में, टेबल के सबसे नीचे दिल्ली कैपिटल्स हैं अभी। यहाँ ढूंढ रहे होंगे यहाँ पे एक मौका दूसरी जीत का अपने। कल का मैच यही 2 मौके मिले थे जसप्रीत बुमराह को, आरसीबी हार गई थी। हैट्रिक गेंद, ओवर की 5वीं गेंद करवाने के लिए तैयार यहाँ पे कुलदीप यादव। सामने स्ट्राइक पे दीपक हुडा, क्या कमाल कर पाएंगे कुलदीप यादव? 2 गेंदे शेष अभी भी, 100 ओवर में 2 रन दिए हैं, 2 विकेट भी झटके हैं। खूबसूरत लाजवाब गेंदबाजी। यहाँ टाइम आउट की समाप्ति हो चुकी है, आ गए कुलदीप यादव गेंदबाजी कराने। थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं फील्डिंग सेट करने में, और ज़रूरत भी है, यह काफ़ी हद तक मैच बना चुके हैं। यह ज़रूरत है यहाँ पे इंपैक्ट प्लेयर के रूप में, दीपक हुडा बल्लेबाजी करने आए हैं। हैट्रिक गेंद यहाँ पे कुलदीप यादव की, क्या यहाँ विकेट चटका के हैट्रिक ले पाएंगे? जी नहीं, 1 रन लेने में कामयाब दीपक हुडा। हैट्रिक नहीं होने दिया यहाँ पे कुलदीप यादव का। 67 पे पहुंची लखनऊ, 1 रन के साथ हुडा ने अपना खाता खोला यहाँ पे। अच्छी गेंदबाजी, लाजवाब गेंदबाजी कह सकते हैं यहाँ पे। अभी तक बड़ा शॉट मारने का मौका नहीं दे रहे हैं, फंसा के रख रहे हैं यहाँ पे दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाज, खास करके कुलदीप यादव। मिड ऑफ की दिशा में शॉट खेला था, 1 रन चुराया था दीपक हुडा ने। आखिरी गेंद शेष, 3 रन आए अभी तक इस ओवर से, 2 झटके लग चुके लखनऊ को अभी। यहाँ से जरूर तलाश कर रही होगी आखिरी गेंद। जोरदार अपील यहाँ पे कुलदीप यादव की, कोई रन नहीं गेंद से, नकार दिया अंपायर ने वहाँ पे। 8 ओवर की समाप्ति, लखनऊ का स्कोर 67 रन 4 विकेट के नुकसान पर। अच्छा घटा ये पिछला ओवर, 3 रन आए मात्र, और 2 बड़े झटके लगे यहाँ पे दिल्ली कैपिटल्स ने दिए लखनऊ सुपर जायंट्स को। खूबसूरत जोरदार अपील की थी कुलदीप यादव, अपना पहला आईपीएल, इस आईपीएल सीजन में पहला मैच खेल रहे थे। पहले ओवर में मात्र 3 रन देके 2 विकेट झटके। काफ़ी प्रेशर में होंगे लखनऊ के बल्लेबाज अब, और चाहिए भी, होना भी चाहिए उनको, 4 झटके लगा चुके हैं। दीपक हुडा अभी आए हैं जस्ट, वहीं केएल राहुल 17 गेंदों में 32 रन बना के खेल रहे हैं, 1 छक्के 4 चौके लगाए उन्होंने, कोई भी रिस्क नहीं लिया यहाँ पे। एक बॉलिंग में तब्दीली कराएंगे, अक्षर पटेल को लाएं दूसरा ओवर कराने। अच्छा बीता था उनका पहला ओवर, मात्र 6 रन दिए थे उन्होंने। यहाँ और विकेट की तलाश जरूर करेगी दिल्ली कैपिटल्स, वहीं लखनऊ को अच्छे से संभल के बल्लेबाजी करनी होगी। ओवर का पहला गेंद यहाँ पे कराएंगे अक्षर पटेल, सामने होंगे केएल राहुल, संभल के करनी होगी बल्लेबाजी, क्योंकि बड़ी उम्मीद है ये केएल राहुल आज
लखनऊ सुपर जायंट्स के। ओवर की पहली गेंद एक रन मिलने में कामयाब, स्ट्राइक चेंज किया के अलाउ ने एक रन के साथ, माफ़ कीजिएगा दीपक हुडा ने स्ट्राइक चेंज किया एक रन के साथ। दो गेंदों में दो रन बना के खेल रहे हैं। 68 पे पहुंची लखनऊ। खूबसूरत ये गेंद थी अक्षर पटेल की, टहला दिया बस एक रन बटोरने में कामयाब। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, मिड ऑफ की दिशा में ज़्यादा शॉट खेलते हैं दीपक हुडा। यहाँ रोकना होगा, वहाँ पे फील्डर तैनात करना होगा दिल्ली कैपिटल्स को, माफ़ कीजिए। जी हाँ, यहाँ अक्षर पटेल की दूसरी गेंद, यहाँ केएल राहुल नहीं मानने वाले। खूबसूरत ये दंदनाता हुआ चौका, बेहतरीन ये बाउंड्री केएल राहुल के खाते में और लखनऊ सुपर जायंट्स के खाते में। काफ़ी गेंद हो चुकी थी, 15 गेंदों के बाद ये बाउंड्री आई लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए। खूबसूरत बल्लेबाजी केएल राहुल की, पाँचवा यह चौका केएल राहुल के बल्ले से। अच्छी गेंद थी डीप वे बैकवर्ड पॉइंट पे, खूबसूरत टहलाया गेंद को, वहाँ कोई फील्डर मौजूद नहीं था। 15 गेंदों के बाद ये चौका आते हुए लखनऊ के लिए, काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे थे बड़े शॉट का केएल राहुल, फंसे हुए थे मैच में। बेहतरीन शॉट लगा के ओवर की तीसरी गेंद एक रन के साथ स्ट्राइक चेंज किया केएल राहुल ने। चेक किया जा रहा है, जी हाँ, रन बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट, वहाँ थोड़ी सी मिसफील्ड भी थी और एक को दो में तब्दील किया केएल राहुल ने। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, अच्छी बल्लेबाजी केएल राहुल की। 19 गेंदों में 38 पे पहुंच चुके हैं, 12 रन दूर अपने अर्धशतक से। 5 चौके 1 छक्के 200 की स्ट्राइक रेट उनकी। अच्छी गेंद थी यहाँ पे, मिड ऑफ की दिशा में खेला था, आज मिड ऑफ की दिशा में ज़्यादा शॉट लग रहे हैं। ओवर की चौथी गेंद कोई रन नहीं, अच्छा बैकअप किया यहाँ पे अक्षर पटेल ने। खूबसूरत गेंद फेंकी, टहला दिया उसको केएल राहुल ने। लाजवाब यहाँ पे बल्लेबाजी केएल राहुल की, एक आखिरी उम्मीद यहाँ पे लखनऊ की केएल राहुल। अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी, ओवर की पांचवी गेंद एक रन लेने में कामयाब। यहाँ पे बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में शॉट खेला, एक रन तेजी से पूरा किया। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं केएल राहुल, ये आखिरी उम्मीद है लखनऊ सुपर जायंट्स की और वो उम्मीद को पूरा करके दिखाते हुए 21 गेंदों में 39 रन पे कर रहे हैं बल्लेबाजी। 75 पे पहुंची है लखनऊ। अच्छी गेंद थी, अच्छी स्पीड दिखा रहे अक्षर पटेल। ओवर की आखिरी गेंद एक रन और, खूबसूरत घटाई ओवर। थोड़ा सा प्रेशर जरूर घटा होगा लखनऊ के बल्लेबाजों से, 9 रन आए पिछले ओवर में। 76 पे 4 लखनऊ 9 ओवर की समाप्ति पर। 4 विकेट गिरे जरूर हैं लखनऊ के, पर यहाँ रन काफ़ी अच्छे बना चुके हैं। शुरुआत के 4 ओवर में अच्छी पिटाई की थी इन्होंने, अच्छी गेंद थी यहाँ पे, मिड विकेट की दिशा में खेला था, एक रन चुराया था आखिरी गेंद पर। स्ट्राइक दीपक हुडा के हाथ में रहेगी अगले ओवर में भी, कुलदीप यादव आएंगे गेंदबाजी करवाने। अच्छा ओवर घटा है, एक ओवर 3 रन 2 महत्वपूर्ण विकेट, क्या और विकेट लेंगे इस ओवर में। लाजवाब गेंदबाजी कुलदीप यादव की, पूरा मैच बना के दिया अभी तक उन्होंने दिल्ली कैपिटल्स के लिए। यहाँ और विकेट जरूर तलाश करेगी दिल्ली कैपिटल्स। ओवर की शुरुआत यहाँ पे कोई रन नहीं, शॉट खेलने गए थे वहाँ पे हुडा, पर रुकना पड़ा, शांत होना पड़ा क्योंकि सामने कुलदीप यादव गेंदबाजी कर रहे हैं। 76 पे पहुंची है लखनऊ 4 विकेट के नुकसान पर, संभल के करनी होगी दोनों बल्लेबाजों को बल्लेबाजी, एक बड़ी पार्टनरशिप की उम्मीद। ओवर की दूसरी गेंद एक रन और चुराएंगे यहाँ पे हुडा, खेल दिया था यहाँ कवर्स की दिशा में, एक बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट, एक ही रन मिलेगा, लेकिन अच्छी फील्डिंग वहाँ पे देखने को मिली, थोड़े जोश में आ गई है दिल्ली कैपिटल्स और ज़रूरत भी है, अच्छी फील्डिंग करनी होगी आपको। वहीं कुलदीप यादव लाजवाब गेंदबाजी कर रहे हैं आज, यहाँ और विकेट्स की तलाश कर रहे होंगे यादव, और चाहिए भी यहाँ पे उनकी टीम को। ओवर की तीसरी गेंद कराएंगे, सामने होंगे केएल राहुल, बड़े बड़े शॉट मार रहे हैं आज राहुल, कोई रन नहीं। खूबसूरत ये गेंद थी, जोरदार अपील की थी वहाँ पे कुलदीप यादव ने, पर अंपायर ने नकारा उस गेंद को। लाजवाब गेंदबाजी, थर्ड अंपायर की तरफ गए यहाँ पे दिल्ली कैपिटल्स, मौका लग रहा है लगता है कुलदीप यादव को। खूबसूरत गेंद थी, यहाँ विकेट गंवाया अगर लखनऊ ने तो फंस जाएंगे इस मैच में भी लखनऊ। जी हाँ, ऋषभ पंत की भी जोरदार अपील थी, उनको भी लगा था कि बल्ले से लगी है गेंद, तुरंत ही रिव्यू के लिए चले गए, हालांकि केएल राहुल ने मना किया कि उनके बल्ले से नहीं लगी है गेंद।
अब अंतिम फैसला अंपायर करेंगे, थर्ड अंपायर करेंगे। देखने वाली बात होगी, यहाँ झटका नहीं चाहिए यहाँ पे लखनऊ इस झटके को। जी नहीं, यहाँ आउट करार दिया यहाँ पे, बड़ा झटका यहाँ पे कुलदीप यादव ने लिया, केएल राहुल का विकेट, पांचवा झटका यहाँ पे लखनऊ को, बड़ा विकेट यहाँ पे, बड़ी मछली फंसी यहाँ जाल में। जी हाँ, अल्ट्रा एज में चेक किया गया, थोड़ा सा पार्ट लगा था बल्ले का, यहाँ बड़ा झटका लगा यहाँ पे लखनऊ को। खूबसूरत गेंदबाजी यहाँ केएल, यहाँ यादव की लाजवाब गेंदबाजी, कुलदीप यादव स्टार बॉलर ऑफ द डे। दूसरा ओवर ये, चार रन दिए, तीन झटके दे चुके हैं वो लखनऊ को, 22 गेंदों का सामना किया केएल राहुल ने, 39 रन बनाए थे, 5 चौके 1 छक्का, वापस जाना होगा उन्हें। काफ़ी नाखुश यहाँ पे लखनऊ के फैंस, और होना भी चाहिए, काफ़ी ख़राब स्थिति में आ गई है लखनऊ यहाँ पे। पांचवा झटका दिल्ली कैपिटल्स, लाजवाब प्रदर्शन आज के मैच में अभी तक, और आज के मैच के हीरो रहे हैं कुलदीप यादव, अभी तक तीन झटके दे चुके हैं वो लखनऊ को। ओवर की चौथी गेंद कराएंगे बदोनी, कोई रन नहीं, जी नहीं, बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट, दोनों बहुत तेज भागे बल्लेबाज, एक रन के साथ खाता खोला यहाँ बदोनी ने। मैच पूरी तरीके से अभी लखनऊ के फेवर में बह रहा है, यहाँ अच्छी पार्टनरशिप करनी होगी लखनऊ के बल्लेबाजों को। ओवर की पांचवीं गेंद कराएंगे यहाँ पे कुलदीप यादव, चौथी गेंद पे अच्छा टहलाया था गेंद को, एक रन चुराए थे बदौनी ने, यहाँ दो रन बटोरने में कामयाब पांचवीं गेंद पर। अच्छा खूबसूरत ये शॉट दीपक हुडा का, पहली बार थोड़े अच्छे परफॉर्मेंस दिखाते हुए यहाँ दीपक हुडा, अच्छे शॉट, क्लासिकल शॉट खेल रहे हैं वहाँ पे, बॉल को टहलाया, अच्छा शॉट खेला यहाँ पे, दो रन बटोरने में कामयाब। यहाँ फाइन लेग की दिशा में गई थी, वहाँ कोई फील्डर नहीं थे, स्लिप के फील्डर को भाग के जाना पड़ा गेंद को लाने के लिए। अच्छा घट रहा है अभी तक ये ओवर, आखिरी गेंद, कोई रन नहीं, अच्छा ये ओवर कुलदीप यादव का, एक और ओवर समाप्त हुआ, चार रन आए इस ओवर से, और एक महत्वपूर्ण केएल राहुल का बड़ा विकेट, बड़ी मछली जाल में। 10 ओवर की समाप्ति हो चुकी है यहाँ पे, लखनऊ 80 रन 5 विकेट के नुकसान पर, शांत कर दिया वहाँ पे, जिस रफ्तार से बल्लेबाजी कर रहे थे लखनऊ के बल्लेबाज शुरुआत के 4 ओवर में, बड़ा स्कोर कायम कर सकते थे, पर यहाँ रोका, फंसाया यहाँ पे, और ज़रूरत भी है यहाँ पे दिल्ली कैपिटल्स को आज जीत की। लगातार 4 मुकाबले हार के आ रहे हैं दिल्ली कैपिटल्स, छठा यह मुकाबला उनके लिए, एक में जीत हासिल किया उन्होंने मात्र, टेबल के सबसे नीचे स्थान पर अभी, वहीं लखनऊ 4 में से 3 मुकाबले उन्होंने जीते। आज का मुकाबला दोनों टीमों के लिए अहम था वैसे, लखनऊ के स्टेडियम में खेला जा रहा है मैच, लखनऊ ने टॉस जीता, पहले किया बल्लेबाजी का फैसला, और ये फैसला अभी तक दिल्ली कैपिटल्स के लिए सही होता हुआ। अच्छी शुरुआत की थी वहाँ पे, 4 ओवर में बड़े रन बने थे वहाँ पे, लेकिन उसके बाद पिछले 5 ओवरों में पूरी तरीके से मैच पे कब्जा कर चुके हैं। अक्षर पटेल अपना 3रा ओवर लेके आए हैं, 2 ओवर में मात्र 15 रन दिए उन्होंने, अच्छी गेंदबाजी यहाँ पे 7.5 की इकोनॉमी से। सामने होंगे आयुष बदोनी, नए बल्लेबाज, यहाँ बड़ी पार्टनरशिप की उम्मीद होगी लखनऊ को दोनों बल्लेबाजों से, एक रन के साथ यहाँ स्ट्राइक चेंज करेंगे आयुष बदोनी, और अच्छी रणनीति दोनों बल्लेबाजों की। आयुष बदोनी बहुत अच्छी बल्लेबाजी नहीं करते यहाँ पे, दीपक हुडा को दे रहे हैं स्ट्राइक, और यही चाहिए यहाँ पे दोनों बल्लेबाजों को, बड़े रन बनाने के देख रहे होंगे। अक्षर पटेल पहली गेंद, अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं अक्षर पटेल भी, स्क्वायर लेग की दिशा में एक रन बटोरा था। ओवर की दूसरी गेंद, कोई रन नहीं, खूबसूरत ये गेंद यहाँ पे छकाया, परेशान किया यहाँ पे दीपक हुडा को अक्षर पटेल ने, हुडा काफ़ी यहाँ पे प्रेशर महसूस कर रहे होंगे, और करना भी चाहिए, आप बड़े ज़्यादा बड़े शॉट खेल नहीं सकते यहाँ पे, रिस्क ले नहीं सकते हैं। ओवर की तीसरी गेंद, एक रन के साथ स्ट्राइक चेंज करेंगे दीपक हुडा, 82 पे पहुंची लखनऊ 5 विकेट के नुकसान पर। अच्छी गेंदबाजी अक्षर पटेल की, 3 गेंदें हो चुकी है, मात्र 2 रन दिए उन्होंने, 95-100 की रफ्तार से करवा रहे हैं गेंदबाजी। तीसरी गेंद पर अच्छा शॉट खेलने गए थे। ओवर की चौथी गेंद, एक रन और बटोरा यहाँ पे बदौनी ने,
जी हाँ, मिड विकेट की दिशा में शॉट खेला था, एक रन चुराया यहाँ पे। बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों बल्लेबाजों की, एक एक रन चुरा रहे हैं यहाँ पे, और ज़रूरत भी है, एक एक रन से आपको आगे बढ़ना होगा। यहाँ पे बड़े शॉट नहीं तलाश कर सकते आप, क्योंकि मैच काफ़ी हद तक फंसा हुआ है। थोड़ी सी दूर जाते हुए मैच में, ओवर की पाँचवीं गेंद, एक रन और, लगातार स्ट्राइक चेंज कर रहे हैं दोनों बल्लेबाज। 84 पर पहुंची लखनऊ 5 विकेट के नुकसान पर। 5 गेंदें हो चुकी है अभी तक, 4 रन आए इस ओवर से। दीपक खुडा 10 गेंदों में 8 रन बना के खेल रहे हैं। वही बदौनी 3 गेंदें 3 रन। बड़े शॉट की तलाश होगी लखनऊ को, उम्मीद कर रहे होंगे बड़े शॉटों की, हालांकि यहाँ रिस्क नहीं लेना चाहिए। ओवर की आखिरी गेंद, कोई रन नहीं। अच्छा ये घटा ओवर दिल्ली कैपिटल्स के लिहाज से, मात्र 4 रन दिए यहाँ पे अक्षर पटेल ने, काफ़ी किफ़ायती गेंदबाजी। वहीं लखनऊ 84 रन 5 विकेट के नुकसान पर। 11 ओवर की हो चुकी है समाप्ति, एक समय में 4 ओवर के बाद रन रेट 12 से ऊपर का था, वहीं अब ये 7.5 का रह गया है। शॉट खेलने गए थे जरूर आखिरी गेंद पर यहाँ पर गेंद बल्ले पे आई नहीं उनके ढंग से। यहाँ संभल के करनी होगी बल्लेबाजी लखनऊ को अगर इस मैच को जीतना है तो। 84 पे 5 विकेट गंवा चुके हैं आप, हालांकि लखनऊ का रिकॉर्ड रहा है, जब जब लखनऊ ने 160 प्लस रन बनाए हैं उन्होंने वो मैच जीता है, जब से उनका आईपीएल में डेब्यू हुआ है। पिछले 3 सालों में जब जब 160 बनाए हैं उन्होंने डिफेंड किया 160। आज 160 से पहले रोकना होगा यहाँ पे। ओवर की पहली गेंद, एक रन मिलेगा यहाँ पे। अच्छी शुरुआत यहाँ कुलदीप यादव की, दीपक हुडा ने एक रन चुराया यहाँ पे। संभल के खेलना होगा कुलदीप यादव को यहाँ, ये बड़ी बड़ी मछलियाँ फंसा रहे हैं कुलदीप यादव। आज पहला मैच खेल रहे हैं आईपीएल सीजन का, 3रा ओवर डालने आए हैं जी। नहीं, यहाँ पे ईशांत शर्मा को दी गई थी गेंदबाजी, पॉइंट गली की दिशा में शॉट खेला, एक रन चुराया यहाँ पे। यहाँ गेंदबाजी में परिवर्तन जरूर किया है, पर यहाँ पे मेरे ख्याल से कुलदीप यादव को गेंदबाजी देनी चाहिए थी, बड़ी बड़ी मछलियाँ फंसा रहे थे। ओवर की दूसरी गेंद, एक रन लेने में और कामयाब यहाँ पे आयुष बदौनी। 86 पे पहुँच गई है लखनऊ, बूंद बूंद से घड़ा भरने की कोशिश कर रही है, सिंगल सिंगल ले करके स्ट्राइक रोटेट कर रहे दोनों बल्लेबाज, और यही चाहिए लखनऊ को अभी। यहाँ संभल के बल्लेबाजी करनी होगी, एक अच्छी पार्टनरशिप की उम्मीद अभी होगी दोनों बल्लेबाजों से। यहाँ और विकेट की तलाश कर रही होगी दिल्ली कैपिटल्स। ईशांत शर्मा अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, हालांकि महंगे साबित जरूर हुए पहले 2 ओवरों में, 19 रन दिया उन्होंने 2 ओवरों में। ये उनका 3रा ओवर, ओवर की 3री गेंद, एक रन लेने में और कामयाब यहाँ पे। दीपक खुडा बेहतरीन लाजवाब शॉट खेला था, अच्छी फील्डिंग वहाँ पे, एक ही रन मिलेगा, पर लगातार स्ट्राइक चेंज कर रहे हैं दोनों बल्लेबाज, एक एक रन से स्कोरबोर्ड को बढ़ा रहे हैं, और ज़रूरत भी है यहाँ पे बड़े पार्टनरशिप की। काफ़ी ओवर्स पड़े हुए हैं यहाँ पे, और इसके बाद कोई बल्लेबाज नहीं है। मिड ऑन की दिशा में खेला था शॉट, एक रन चुराए वहाँ पे, फील्डर थे मौजूद। दीपक हुडा शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं, 12 गेंदों में 10 रन बना के हालांकि खेल रहे हैं, पर यही ज़रूरत है उनकी टीम को। 5वां झटका लग चुका है। ओवर की अगली गेंद, वाइड गेंद, एक मुफ्त का रन यहाँ पे लखनऊ को, और यहाँ जितने मुफ्त के रन मिल जाए उतना बेहतर लखनऊ के लिए। ख़राब गेंद थी यहाँ पे ईशांत शर्मा की, दम नहीं था गेंद में, और उसका असर आप साफ तौर पे देख सकते हैं। काफ़ी बाहर गेंद, यहाँ अच्छी ओवर निकालने होंगे, यहाँ विकेट की तलाश करनी होगी दिल्ली कैपिटल्स को। कोई भी बल्लेबाज अगर सेट हो गया तो यहाँ पे आराम से बड़ा स्कोर बना सकते हैं, क्योंकि ये रन बनाने वाला स्टेडियम है। ओवर की 3rd/4th गेंद, एक रन और बटोरने में कामयाब यहाँ पे, एक एक रन से बूंद यहाँ समंदर भरने की कोशिश कर रहे हैं दीपक खुडा और आयुष बदौनी। मैदान में काफ़ी शांति हो चुकी है, जो लखनऊ के फैंस काफ़ी खुश थे वहाँ पे, काफ़ी शांत बैठे हुए हैं वहाँ पे, क्योंकि लखनऊ में ये मैच खेला जा रहा है। अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं वैसे ईशांत शर्मा, अच्छी रफ्तार से 130-135 की रफ्तार दिखा रहे हैं। वहाँ मिड विकेट की दिशा में ही शॉट खेला था, एक रन चुराया था। ओवर की 5वीं गेंद कराएंगे यहाँ पे ईशांत शर्मा, सामने स्ट्राइक पे होंगे आयुष बदौनी। बॉल हवा में, बड़ा शॉट खेलने गए यहाँ पे बदौनी, और एक और झटका लगा यहाँ पे,
लखनऊ सुपर जायंट्स को। जरूरत नहीं थी यहाँ पे बड़ा शॉट खेलने की, बड़ा झटका, एक और मछली फंसाई यहाँ पे दिल्ली कैपिटल्स ने। छठा झटका लगा यहाँ पे लखनऊ को मात्र 89 रन के स्कोर पे। दीपक हुड्डा थे स्ट्राइक पे, जरूरत नहीं थी इस बड़े शॉट की। गेंद बल्ले पे आई नहीं ढंग से और ये कवर्स की दिशा में साधारण सा कैच पकड़ा यहाँ पे डेविड वार्नर ने। इंपैक्ट प्लेयर के रूप में आए थे दीपक हुड्डा, काफ़ी मुश्किलों में फंस गए यहाँ पे लखनऊ। छह झटके लग चुके हैं लखनऊ को। खूबसूरत गेंदबाजी सभी गेंदबाजों द्वारा यहाँ दिल्ली के। कुणाल पांड्या अगले बल्लेबाज, काफ़ी मुश्किल हालात में यहाँ पे लखनऊ। हालांकि अच्छी बल्लेबाजी की थी पिछले मैच में कुणाल पांड्या ने, आज भी संभालना होगा अपनी टीम को यहाँ पे। काफ़ी बड़ी जाल में, काफ़ी बड़ी मुश्किलों में यहाँ पे लखनऊ। खूबसूरत गेंदबाजी हो रही है आज दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाजों द्वारा और यही चाहिए। यहाँ आपको मैच जीतना है तो अच्छी गेंदबाजी लगातार करवानी होगी आपको। ईशान शर्मा महंगे साबित जरूर हुए थे पिछले दो ओवर में, पर यहाँ तीसरा ओवर मात्र 6 रन दिए उन्होंने, माफ़ कीजिएगा 5 रन दिए हैं और एक बेहतरीन विकेट अपने नाम किया है। अच्छी खूबसूरत गेंदबाजी, लगातार पार्टनरशिप बनने नहीं दे रहे यहाँ पे दिल्ली के गेंदबाज। कोई भी बड़ा शॉट खेलने जा रहे हैं उनका आउट कर दे रहे हैं। अच्छा घट रहा है अभी तक ये ओवर, अच्छा ये मैच घट रहा है दिल्ली कैपिटल्स के लिहाज से। लखनऊ ने टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी किया का फैसला, लेकिन वो फैसला दिल्ली कैपिटल्स के पक्ष में अभी तक सही साबित होता हुआ। ओवर की आखिरी गेंद, एक रन के साथ यहाँ खाता खोला कुणाल पांड्या ने। 6 रन आए पिछले ओवर से और एक महत्वपूर्ण बड़ा विकेट दीपक हुड्डा का। 90 पे पहुंची लखनऊ 6 विकेट के नुकसान पर। 12 ओवर की हो गई है समाप्ति, काफ़ी मुश्किल हालात में लखनऊ। अच्छी गेंद थी वहाँ, थर्ड मैन की दिशा में खेला था, काफ़ी तेज शॉट खेला था वहाँ पे कुणाल पांड्या ने, एक ही रन बटोर पाए। काफ़ी जोश में यहाँ दिल्ली कैपिटल्स की टीम, और होना भी चाहिए, मैच काफ़ी हद तक आपके पक्ष में। यहाँ पे आप 100-120 के अंदर रोक सकते हैं यहाँ पे लखनऊ को। हालांकि अच्छी बल्लेबाजी करते हैं कुणाल पांड्या भी, पिछले मैच में क्या खूबसूरत फिनिशिंग किया था उन्होंने। यहाँ जरूरत भी है उनकी टीम को, फंसी पड़ी है मैच पूरी तरीके से। स्ट्राइक भी अपने पास है रखे हैं कुणाल पांड्या ने। गेंदबाजी में परिवर्तन जरूर करेंगे यहाँ पे, कुलदीप यादव को देना चाहिए गेंदबाजी। जी नहीं, मुकेश कुमार पिछले ओवर में 10 रन देकर के दूसरा ओवर करवाने आए हैं। पहली गेंद, एक रन और देंगे। अच्छी गेंद करवाई है मुकेश कुमार ने, टहला दिया वहाँ पे कुणाल पांड्या ने, एक रन लेने में कामयाब। 9 रन दूर लखनऊ अपने शतक से, 91 पे पहुँच चुकी है 6 विकेट के नुकसान पर। अच्छी रफ्तार है मुकेश कुमार के पास, 135-140 की रफ्तार से गेंदबाजी करवा रहे हैं। वहीं गेंद टहला दिया था वहाँ पे पॉइंट फॉरवर्ड की दिशा में, एक रन बटोरने में कामयाब कुणाल पांड्या। आयुष बदोनी आए स्ट्राइक पे, यहाँ ओवर की दूसरी गेंद, यहाँ जोरदार अपील यहाँ मुकेश कुमार की, अंपायर ने मना किया वहाँ पे। अच्छी गेंद थी, जोरदार अपील की थी दोनों कीपर ने और गेंदबाज ने, मना किया अंपायर ने। क्या थर्ड अंपायर की तरफ रुख करेंगे? जी हाँ, रिव्यू ले लिया यहाँ पे। यहाँ एक और बड़ी मछली फंसाने के चक्कर में यहाँ पे दिल्ली कैपिटल्स पूरी तरीके से हावी, दिल्ली कैपिटल्स अभी तक लखनऊ के ऊपर। रिव्यू लिया यहाँ पे मुकेश कुमार की गेंद पर, खूबसूरत ये गेंद थी, 135 की रफ्तार की गेंद। हालांकि रिव्यू लेना नहीं चाहते थे वहाँ पे ऋषभ पंत, पर मुकेश कुमार ने उनको समझाया कि आप रिव्यू लीजिए। जी हाँ, यहाँ पे मौका यहाँ पे देखना होगा, अंपायर ने तो नॉट आउट करार दिया है। अगर यहाँ विकेट गिरा है लखनऊ का, काफ़ी मुश्किल में फंस जाएगी लखनऊ। आयुष बदोनी 7 गेंदों में 5 रन बना के बल्लेबाजी कर रहे हैं। वही लखनऊ को 6 झटके ऑलरेडी लग चुके हैं यहाँ पे। दिखने वाली बात होगी क्या यहाँ एक और झटका लगा क्या? अहम डिसीजन ये, अहम बल्लेबाजी आखिरी यहाँ पे जोड़ी थी ये लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए। बेहतरीन गेंदबाजी आज दिल्ली कैपिटल्स के सभी गेंदबाजों द्वारा, अभी तक पूरी तरीके से मैच को थाली में परोस के दिया है दिल्ली कैपिटल्स के। देखना होगा यहाँ क्या झटका लगा दिल्ली कैपिटल्स
ने लिया यहाँ पे क्या अगला विकेट। अंपायर काफी समय ले रहे हैं चेक करने में, हालांकि जरूरी भी है। अब पूरा समय लीजिए, चेक कीजिए। आयुष बदोनी काफी मुश्किल हालात में यहाँ पे, काफी समय ले रहे हैं अंपायर चेक करने में। अल्ट्रा एज चेक कर रहे हैं अंपायर, शायद कोई सुगुवाहट आई है, लेकिन नो नॉट आउट। रिव्यू लॉस्ट किया यहाँ पे दिल्ली कैपिटल्स ने, मुकेश कुमार ने। हालांकि ऋषभ पंत ने पहले ही बोल दिया था कि उनको नहीं लग रहा था ये गेंद बल्ले से लगी है। ओवर की तीसरी गेंद कराएंगे, 91-6 हैं अभी लखनऊ सुपर जायंट्स, 9 रन दूर अपने शतक से। यहाँ पे 13वां ओवर घटता हुआ ये अच्छा फैसला। ओवर की तीसरी गेंद, 1 रन लेने में कामयाब यहाँ बदोनी। अच्छा शॉट खेला था, तेज शॉट खेला था, और बेहतरीन फील्डिंग वहाँ पे। लाजवाब शॉट खेल रहे हैं आयुष बदोनी आज, शॉट बड़े मारने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ये अभी तक इस आईपीएल सीजन में बड़ी बल्लेबाजी करते हुए दिखे नहीं हैं, पर आज जरूरत है उनकी टीम को। मुकेश कुमार थोड़े महंगे साबित हुए थे, यहाँ थर्ड मैन की दिशा में खेला था शॉट। बॉल काफ़ी तेज़ी से दौड़ रही है मैदान पर, काफ़ी मुश्किलों में यहाँ पे लखनऊ अभी भी। 92-6 हो चुके हैं। मुकेश कुमार ओवर की चौथी गेंद, 1 रन के साथ यहाँ स्ट्राइक चेंज करेंगे कुणाल पांड्या भी। 1-1 रन से आगे बढ़ा रहे हैं स्कोर बोर्ड को अपना लखनऊ, और ज़रूरत भी है उन्हें, संभल के करनी होगी बल्लेबाजी। थोड़ी सी मुश्किल हालात में लखनऊ यहाँ पे, एक बड़ी साझेदारी की उम्मीद। क्या ये साझेदारी कुणाल पांड्या और आयुष बदोनी कर सकते हैं? काफ़ी अहम रहेगा यहाँ पे। कुलदीप यादव को भी गेंदबाजी करवा सकते हैं, 2 ओवर अभी भी उनके शेष हैं। अच्छी गेंद थी, फाइन लेग की दिशा में शॉट खेला था पिछली गेंद पर, 1 रन चुराए थे। अब ओवर की 5वीं गेंद कराएंगे, सामने होंगे आयुष बदोनी। एक और विकेट जरूर तलाश रही होगी यहाँ दिल्ली कैपिटल्स, 1 रन के साथ फिर से स्ट्राइक चेंज किया, 4था रन ये इस ओवर का। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं आयुष बदोनी, स्ट्राइक रोटेट कर ले रहे हैं जल्दी से, और बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों बल्लेबाजों की भी। 6 रन दूर अपने लखनऊ शतक से, 94-6 लखनऊ का स्कोर। काफ़ी शांत हो गया स्कोर बोर्ड, काफ़ी टाइम से एक बाउंड्री नहीं लगी है लखनऊ के लिए। यह अच्छा शॉट मारा था मिड विकेट की दिशा में, 1 रन चुराया था जरूर पिछली गेंद पर। ओवर की आखिरी गेंद, एक बड़ा शॉट जरूर तलाश कर रहे होंगे अब लखनऊ के बल्लेबाज, जरूरत है उनकी टीम को यहाँ पे। कोई रन नहीं, जोरदार अपील की थी जरूर मुकेश कुमार ने, और ये आउट करार दिया अंपायर ने इसे। 7वां झटका यहाँ पे लखनऊ को, बड़ा शॉट खेलने की कोशिश करने गए थे फिर से कुणाल पांड्या। 94-7वां झटका लगा यहाँ पे लखनऊ को, मामूली सी बल्लेबाजी होते हुए यहाँ पे लखनऊ के लिए, साधारण सी बल्लेबाजी। शिकार बनाया वहाँ पे मुकेश कुमार ने, अच्छा कैच ऋषभ पंत का। यहाँ सभी बल्लेबाज कमाल कर रहे हैं आज, माफ़ कीजिएगा, सभी गेंदबाज कमाल कर रहे हैं आज दिल्ली के, सभी की बेहतरीन प्रदर्शन। पिछले ओवर से आए मात्र 4 रन और एक महत्वपूर्ण विकेट। कुणाल पांड्या, काफ़ी उम्मीदें थी फैंस को उनसे, बिल्कुल शांत हो गया स्टेडियम, लखनऊ के स्टेडियम में खेला जा रहा था ये मैच, फैंस को काफ़ी उम्मीदें थी आज उनकी टीम से। यहाँ टाइम आउट का इशारा अंपायर द्वारा, 13 ओवर की हो गई है समाप्ति। लखनऊ का स्कोर 94 रन 7 विकेट के नुकसान पर। अच्छी शुरुआत, अच्छी यहाँ पे गेंदबाजी कराते हुए दिल्ली कैपिटल्स। जब से कुलदीप यादव ने विकेट की शुरुआत की है, तब से पूरी तरीके से मैच बनाया है। उसके बाद 3 झटके कुलदीप यादव ने दिए बैक टू बैक, फिर उसके बाद ईशांत शर्मा, और अब ये मुकेश कुमार, सभी गेंदबाज कमाल करते हुए आज। 7वां झटका लग चुका है लखनऊ को, यहाँ जरूरत है यहाँ पे, अभी भी 7 ओवर का खेल बाकी है। अगले बल्लेबाज कौन आएंगे बल्लेबाजी करने, ये भी अहम सवाल रहेगा, क्योंकि अब टेल एंडर्स की बारी है लखनऊ के लिए। आखिरी जोड़ी, आखिरी उम्मीद, 4 गेंदों में 3 रन बना के यहाँ कुणाल पांड्या आउट हुए। जरूरत नहीं थी शॉट की, आराम से कर सकते थे बल्लेबाजी, अभी बहुत ओवर पड़े हुए थे बड़े शॉट खेलने के लिए, बड़े शॉट मारने के चक्कर में आउट हुए। 94-7 लखनऊ, 7.23 की रन रेट से रन बना रहे मात्र। काफ़ी आसान होगा ये स्कोर दिल्ली कैपिटल्स के लिए, क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स की भी बल्लेबाजी काफ़ी बड़ी है, डेविड वार्नर जैसे खिलाड़ी हैं उनके पास।
मात्र 5 रन की पार्टनरशिप 7 गेंदों में। वापस गए यहाँ पे कुणाल पांड्या। अच्छी बल्लेबाजी तो आयुष भदौनी कर रहे हैं यहाँ पे, 9 गेंदों में 7 रन बना के एक छोर पर टिक के खेल रहे हैं और जरूरत भी है उनकी टीम को। छोटा ही सही पर एक पार्टनरशिप जरूर चाहिए टेलेंडर से भी। कुछ ही समय शेष यहाँ पे टाइम आउट समाप्त होने में। आज लखनऊ ने टॉस जीता था, पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था, हालांकि ये फैसला अभी तक दिल्ली कैपिटल्स के पक्ष में रहा है। मैच में पूरी तरीके से पकड़ बना रखा है दिल्ली कैपिटल्स ने। कोई बड़े मौके नहीं दे रहे यहाँ पे, जब जब हाथ खोलने की सोच रहे हैं यहाँ पे लखनऊ। अक्षर पटेल आए गेंदबाजी करवाने, यहाँ समाप्त हो गया टाइम आउट। खान साहब आए बल्लेबाजी करने यहाँ पे। यहाँ उम्मीद होगी एक और विकेट की दिल्ली कैपिटल्स को, क्योंकि अब टेलेंडर्स आए बल्लेबाजी करने। यहाँ कोई पार्टनरशिप पर अपनी नहीं देना चाहते यहाँ पे दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाज आज, और जरूरत भी है। अक्षर पटेल ही ऐसे गेंदबाज है जिनको अभी तक विकेट नहीं मिला है, जरूर वो तलाश करेंगे विकेट की। 3 ओवर कराया उन्होंने, 19 रन दिए हैं, कोई झटका नहीं दिया अभी तक। कुछ ही सेकेंड्स खत्म हो गए यहाँ पे टाइम आउट। यहाँ फील्डिंग सेट कर रहे हैं, काफ़ी टाइम ले रहे हैं आज फील्डिंग सेट करने में ऋषभ पंत, और ज़रूरत भी है। अच्छी पोजीशन पे आपकी टीम, यहाँ अच्छी फील्डिंग सेट कीजिए ताकि अच्छी तरीके से यहाँ मैच खत्म किया जा सके। ओवर की पहली गेंद, यहाँ आवेश खान करेंगे सामना, जी नहीं भदौनी करेंगे सामना। 1 रन के साथ शुरुआत करेंगे, स्ट्राइक चेंज करेंगे, बेहतरीन शॉट यहाँ भदौनी का। बॉल काफ़ी तेज़ी से जा रही है जिस वजह से 1 ही रन मिल पाया उन्हें। अरशद खान आए बल्लेबाजी करने, नए बल्लेबाज। अच्छा शॉट था ये भदौनी का, बॉल काफ़ी तेज़ी से दौड़ रही है आउटफील्ड पे। पहली गेंद डीप बैकवर्ड पॉइंट पे शॉट खेला, 1 रन चुराए थे। अब अरशद खान करेंगे सामना यहाँ पे कुलदीप यादव का, खतरनाक गेंदबाज। 8 रन 3 विकेट, 3रा ओवर फेंक रहे हैं, कोई रन नहीं। अच्छी गेंदबाजी यहाँ पे कुलदीप यादव की, यहाँ एक और झटका देने के लिए लाया गया कुलदीप यादव को लखनऊ सुपर जायंट्स को। अच्छी गेंद फेंकी थी वहाँ पे, हाथ खोलने की कोशिश भी नहीं की यहाँ पे अरशद खान ने, टहलाया था गेंद को। 5 रन दूर लखनऊ अपने शतक से, अच्छी स्पीड भी है आज यहाँ पे कुलदीप यादव के पास। 95-100 की रफ्तार से गेंदबाजी करवा रहे हैं यहाँ पे, लाजवाब यहाँ पे गेंदबाजी कराते हुए कुलदीप यादव। ओवर की तीसरी गेंद, चौथी गेंद, कोई रन नहीं। लगातार 3 डॉट गेंदे, चौथी गेंद पर यहाँ मिसफील्ड होता हुआ, बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट अरशद खान और भदौनी की, 2 रन चुराएंगे यहाँ पे। बेहतरीन रनिंग किया है दोनों बल्लेबाजों ने, 2 रन चुराया लखनऊ के लिए, जरूरत है लखनऊ को रन्स की अब। जी हाँ, चौथी गेंद पर बेहतरीन 2 रन भागे यहाँ पे, यह जरूरत नहीं थी यहाँ पे ओवर थ्रो की, यहाँ पे मिसफील्ड करने की। यहाँ पे मिड विकेट की दिशा में शॉट खेला था, 2 रन आराम से। 5वीं गेंद फिर से 2 रन भागने में कामयाब यहाँ पे, अच्छी बल्लेबाजी अरशद खान द्वारा, बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट है दोनों बल्लेबाजों की, काफ़ी तेज दौड़ रहे हैं दोनों बल्लेबाज। साधारण सी गेंद फेंकी थी कुलदीप यादव ने वहाँ पे, अच्छी दौड़ लगाई वहाँ पे कवर्स की दिशा में शॉट खेलकर अरशद खान ने। 1 गेंद शेष इस ओवर में, 5 रन आए अभी तक इस ओवर से, 1 रन दूर यहाँ लखनऊ अपने शतक से भी। क्या इस गेंद पर शतक पूरा हो जाएगा लखनऊ का? जी नहीं। अच्छी खूबसूरत गेंद पर यहाँ मिसफील्ड एक बार और, 1 रन पूरा किया यहाँ पे अरशद खान ने। लगातार मिसफील्ड कर रहे हैं दिल्ली कैपिटल्स के फील्डर, काफ़ी ज़्यादा ही जोश में दिख रहे हैं। ओवर की भी समाप्ति, 6 रन आए पिछले ओवर से, लखनऊ ने अपना शतक पूरा किया 7 विकेट के नुकसान पर। 14 ओवर की हो चुकी है समाप्ति यहाँ पे। अरशद खान सबसे अच्छे बल्लेबाज अभी तक यही दिख रहे हैं, अब 5 गेंदों में मात्र 5 रन बनाए, टेलेंडर हैं, 9वें स्थान पे आते बल्लेबाजी करने। वही आयुष भदौनी 10 गेंदों में 8 रन बना के खेल रहे हैं, अच्छे पोजीशन पे वो भी। यहाँ जरूरत है एक पार्टनरशिप की, मुकेश कुमार को लाया गया गेंदबाजी करवाने के लिए। 15वां ओवर, शतक पूरा किया लखनऊ ने, 120 के अंदर समेटने की कोशिश जरूर करेंगे यहाँ पे लखनऊ को, ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहेंगे यहाँ पे ऋषभ पंत आज। 15वां ओवर डालेंगे मुकेश कुमार,
या कुछ ना कुछ स्ट्रेटजी जरूर होगी यहाँ पे दोनों बल्लेबाजों की, संभल के खेलने की जरूर सोची होगी। केएल राहुल ने हालांकि आज अच्छी बल्लेबाजी की, टिक नहीं पाए ओवर की पहली गेंद मुकेश कुमार की, एक रन लेने में कामयाब अरशद खान। 101 पे पहुंची लखनऊ 7 विकेट के नुकसान पर, अच्छी शुरुआत हो रही है यहाँ पे, टिक करके खेल रहे हैं अरशद खान। 7 गेंदों में 7 रन की पार्टनरशिप हो चुकी है दोनों बल्लेबाजों के बीच। वहीं लखनऊ ने टॉस जीता पर अभी तक मैच दिल्ली कैपिटल्स के पक्ष में। अच्छी गेंद फेंकी थी वहाँ पे मुकेश कुमार ने, कवर्स पॉइंट की दिशा में शॉट खेला था, 1 रन चुराए थे पहली गेंद पर। ओवर की दूसरी गेंद, बदोनी करेंगे सामना, यहाँ विकेट की तलाश कर रही होगी दिल्ली जरूर जरूर, यहाँ विकेट की चाहत होगी दिल्ली की। खूबसूरत ये चौका, 20-25 गेंदों के बाद ये चौका लगाया दिल्ली कैपिटल्स के लिए, माफ कीजिएगा लखनऊ के लिए। बेहतरीन शॉट यहाँ बदोनी का, थोड़ा सा मौका दिया है मुकेश कुमार ने हाथ खोलने का और जड़ दिया यहाँ पे बदोनी ने शॉट, पूरे 4 रन मिले यहाँ पे। फैंस काफ़ी ज़्यादा खुश और होना भी चाहिए, काफ़ी देर के बाद उनकी टीम के लिए एक बाउंड्री आई है खूबसूरत सी, फाइन लेग की दिशा में शॉट खेला था, कोई फील्डर नहीं था वहाँ पे। अच्छी रन शॉट यहाँ पे, अच्छी रणनीति दोनों बल्लेबाजों की। एक और खूबसूरत दंडनाता हुआ चौका, फॉर्म में आ गया आयुष बदोनी, दूसरा ये चौका, बैक टू बैक बाउंड्रीज यहाँ लखनऊ के लिए। 109 पे पहुंच गई लखनऊ 7 विकेट के नुकसान पर, अच्छी बल्लेबाजी आयुष बदोनी की, 2 बैक टू बैक बाउंड्रीज। काफी मामूली गेंद थी ये मुकेश कुमार की, दिशा दिखाई बस यहाँ पे बदोनी ने, 2 चौके बटोरे। 109 पे पहुंची लखनऊ, थर्डमैन की दिशा में कोई फील्डर नहीं था मौजूद वहां पे, रफ्तार का फायदा उठाया वहां पे बदोनी ने। अच्छा ये ओवर, 3 गेंदे में 9 रन आ चुके हैं, चौथी गेंद यहाँ स्ट्राइक चेंज किया 1 रन के साथ आयुष बदोनी ने, अच्छी रणनीति दोनों बल्लेबाजों की, अच्छी बल्लेबाजी, अच्छा ये घट रहा है ओवर अभी तक लखनऊ के पक्ष में, 10 रन आ चुके इस ओवर से 4 गेंदों में। मुकेश कुमार एक बार फिर से थोड़े महंगे साबित होते हुए, अच्छा नहीं घटा ये IPL सीजन उनके लिए। वहीं आयुष बदोनी 13 गेंदों में 17 रन बना के खेल रहे हैं, नैया पार लगाएंगे ये लगता है लखनऊ सुपर जायंट्स का, 10 गेंदों में 16 रन की पार्टनरशिप, तीसरी बड़ी पार्टनरशिप ये लखनऊ सुपर जायंट्स की अभी तक। यहाँ ओवर की 5वीं गेंद, 1 रन चुराया यहाँ पे, बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों बल्लेबाजों की, बदोनी का पूरी तरीके से साथ दे रहे हैं अरशद खान यहाँ पे। 111 पे पहुंची लखनऊ, अच्छी गेंद थी वहां पे, 1 रन लिया यहाँ पे, फाइन लेग की दिशा में शॉट खेला। 15वां ओवर ये अच्छा घटता हुआ ये लखनऊ के लिए, 11 रन आ चुके अभी तक इस ओवर से, काफी खराब गेंदबाजी मुकेश कुमार की इस ओवर में अभी तक। टेल एंडर्स बड़े बड़े शॉट खेल रहे हैं, इससे खराब क्या ही हो सकता है। ओवर की आखिरी गेंद कराएंगे, जल्दी से ओवर खत्म करने की कोशिश भी करेंगे यहाँ पे ऋषभ पंत इनका, और एक वाइड गेंद, एक और मुफ्त के रन यहाँ पे, थोड़े प्रेशर में आ गए मुकेश कुमार। 112 पे पहुंची लखनऊ 7 विकेट के नुकसान पर, खूबसूरत यहाँ पे घटता हुआ ये ओवर लखनऊ के पक्ष में, यही चाहिए था लखनऊ को। 11 गेंदों में 18 रन की पार्टनरशिप हो चुकी है दोनों बल्लेबाजों के बीच, तीसरी बड़ी पार्टनरशिप यहाँ लखनऊ के लिए। काफ़ी बाहर थी गेंद, 135-140 की रफ्तार से करवाते गेंदबाजी, काफ़ी बाहर थी फिर भी ये गेंद, एक बार फिर से डालना होगा गेंद। ओवर की आखिरी गेंद, 2 रन बटोरने में कामयाब यहाँ पे, खूबसूरत बल्लेबाजी बदोनी की, 14 रन आए इस ओवर से, लाजवाब यहाँ पे बल्लेबाजी बदोनी द्वारा। 15 ओवर की भी समाप्ति, लखनऊ का स्कोर 114 रन 7 विकेट के नुकसान पर। साधारण गेंद थी ये, काफ़ी साधारण ओवर ये मुकेश कुमार का पिछला, डीप बैकवर्ड पॉइंट पे शॉट खेला था, मिसफील्ड हुई थी वहाँ पे, 2 रन बटोरने में कामयाब। अच्छी कर रहे हैं यहाँ पे बल्लेबाजी, अच्छी रणनीति दोनों बल्लेबाजों द्वारा। अब देखना होगा गेंदबाजी में क्या परिवर्तन करते हैं यहाँ पे, अच्छा घटा था पिछला ओवर, अब जरूर विकेट की तलाश कर रही होगी दिल्ली कैपिटल्स, और जरूरत भी है उन्हें
जिस हिसाब से आपने विकेट लिया आपको जल्दी समेटना चाहिए अब दिल्ली कैपिटल्स को या लखनऊ सुपर जायंट्स को। अगला ओवर कुलदीप यादव अपना आखिरी ओवर लेके आए हैं, तीन ओवर में मात्र 13 रन दिए इन्होंने, तीन बेहतरीन विकेट लिए हैं। पहली गेंद खराब गेंद ये वाइड के साथ शुरुआत करेंगे कुलदीप यादव, थोड़े से प्रेशर में दिखते हुए लखनऊ के यहाँ पे, माफ़ कीजिएगा दिल्ली के गेंदबाज यहाँ पे वाइड के साथ शुरुआत। कुलदीप यादव बहुत कम वाइड एक्स्ट्रा रन देते हैं कुलदीप यादव। ओवर की दूसरी गेंद एक रन बटोरने में कामयाब यहाँ पे अरशद खान, अच्छी ये गेंद थी, अच्छा शॉट खेला यहाँ पे अरशद खान ने, एक रन चुराए यहाँ पे, 116 पे पहुँच गई लखनऊ। अच्छी पार्टनरशिप, दूसरी बड़ी पार्टनरशिप इस बल्लेबाजी की, इस पारी की लखनऊ के। 13 गेंद 14 गेंदों में 23 रन, दूसरी गेंद एक रन और बटोरा यहाँ पे, 117 पे पहुंची लखनऊ। बैक टू बैक यहाँ पे डीप बैकवर्ड पॉइंट पे शॉट खेला, जी नहीं मिस फील्ड यहाँ पे, थोड़ी सी डिले हुई, बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों बल्लेबाजों द्वारा, एक को दो में तब्दील किया यहाँ पे, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, खूबसूरत दौड़ लगाई है वहाँ पे दोनों बल्लेबाजों ने। यहाँ टीम का स्कोर, टीम को योगदान देते हुए यहाँ पे लखनऊ के दोनों बेहतरीन बल्लेबाज आयुष बदोनी, 15 गेंद 21 रन, ओवर की तीसरी गेंद या कुलदीप यादव की कोई रन नहीं, अच्छी गेंद थी ये कुलदीप यादव की। आयुष बदोनी कर रहे सामना, ओवर की चौथी गेंद कराएंगे यहाँ पे कुलदीप यादव, यहाँ विकेट लेने की तलाश कर रहे होंगे जरूर कुलदीप यादव। चौथी गेंद यहाँ पे भी कोई रन नहीं, गेंद को टहला रहे हैं बस बदोनी, कोई रिस्क नहीं ले कुलदीप यादव के खिलाफ, अच्छी रणनीति ये क्योंकि 2-3 विकेट ले चुके हैं कुलदीप यादव। लाजवाब गेंदबाजी कुलदीप यादव द्वारा, अभी तक कमाल की गेंदबाजी की है इन्होंने। ओवर की पांचवी गेंद कराएंगे, आयुष बदोनी ही होंगे सामने, एक विकेट की तलाश कर रही होगी दिल्ली और एक पार्टनरशिप पनपती हुई। ओवर की पांचवी गेंद एक रन और, 119 पे पहुंची लखनऊ 7 विकेट के नुकसान पे, जी नहीं एक और मिस फील्ड, लगातार मिस फील्ड की झड़ी लगते हुए यहाँ पे दिल्ली कैपिटल्स द्वारा, एक को दो में तब्दील किया यहाँ पे, अच्छा ये शॉट, अच्छा ये ओवर फिर से घटता हुआ, 6 रन आ चुके अभी तक इस ओवर से। अच्छा यहाँ पे लखनऊ सुपर जायंट्स 120 पे पहुँच गई, बेहतरीन पार्टनरशिप यहाँ पे 26 रनों की 17 गेंदों में, अच्छा कवर्स किया यहाँ पे जिस तरीके से ओवर बीत रहा था। आखिरी गेंद एक रन और, 7 रन आए यहाँ पे 16वें ओवर से, कुलदीप यादव का स्पेल हुआ समाप्त, बेहतरीन ये गेंदबाजी, 4 ओवर में 20 रन, 3 बेहतरीन विकेट, कुलदीप यादव 121 पे पहुंची लखनऊ यहाँ 7 विकेट के नुकसान पर। क्या कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं दोनों बल्लेबाज, खासकर आयुष बदोनी 19 गेंदे 24 रन, दूसरे सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी लखनऊ की तरफ से। लाजवाब बल्लेबाजी, बेहतरीन तालमेल, और ये रन भी बना रहे काफ़ी तेज, 18 गेंदों में 27 रन की पार्टनरशिप, आयुष बदोनी ने 19 गेंदों में 24 रन बनाए, 126 की स्ट्राइक रेट, तो बेहतरीन चौके भी मारे। वहीं अरशद खान बेहतरीन साथ दे रहे हैं यहाँ पे आयुष बदोनी का, लखनऊ को जरूरत है यहाँ पे, 121 पे 7 विकेट है लखनऊ के, एक समय में 100 पूरे होंगे कि नहीं ये लग रहा था, पर यहाँ बेहतरीन कमबैक किया लखनऊ की टीम ने, ऐसी इसी तरीके से करनी होगी यहाँ पे बल्लेबाजी भी, देखने वाली बात होगी। 4 ओवर का शेष खेल है अभी, 24 गेंदें और होनी है, अगर लखनऊ 160 क्रॉस कर लेती है यहाँ पे तो काफ़ी मुश्किलों में पहुँच जाएगी, क्योंकि जब जब लखनऊ ने 160 क्रॉस किया है, 160 डिफेंड किया है पिछले तीनों IPL सीज़न में, अभी तक यही देखने को मिला है। अक्षर पटेल 19 रन दिए हैं 3 ओवर में अभी तक, कोई विकेट नहीं ले पाए हैं, या विकेट की तलाश होगी 4th ओवर में, हालांकि रन बहुत कम दिए हैं, कंजूसी की है इन्होंने गेंदबाजी में, पर यहाँ उम्मीद होगी एक विकेट की ज़रूर दिल्ली कैपिटल्स को। और ओवर की पहली गेंद एक रन के साथ करेंगे शुरुआत, अच्छी रणनीति है आयुष बदोनी की, स्ट्राइक चेंज किया, 122 पे पहुंची लखनऊ इस एक रन के साथ, अच्छी गेंद फेंकी थी अक्षर पटेल ने, काफ़ी घूम के जा रही है गेंद, 90-95 की रफ्तार भी दिखा रहे हैं, अच्छी गेंदबाजी, अच्छा परिणाम, अच्छी बल्लेबाजी भी आयुष बदोनी की। ओवर की दूसरी गेंद कराएंगे, अरशद खान होंगे सामने, विकेट की तलाश कर रहे हैं जरूर, कवर्स की दिशा में एक शॉट खेला यहाँ पे अरशद खान ने, एक रन बटोरने में कामयाब यहाँ पे,
लाजवाब बल्लेबाजी, लगातार स्ट्राइक चेंज कर रहे हैं। 123 पे पहुंची लखनऊ, फिनिशर का काम अदा कर रहे हैं दोनों बल्लेबाज, अच्छी फिनिशिंग कर रहे हैं लखनऊ के लिए। ओवर की तीसरी गेंद, बेहतरीन शॉट यहां बदौनी का, खेल दिया यहां पे मिड ऑन की दिशा में, दो रन बटोरने में कामयाब। खूबसूरत बल्लेबाजी, लाजवाब, अच्छी ये पार्टनरशिप लखनऊ के लिए। 21 गेंदों में 31 रन की हो चुकी है पार्टनरशिप, लाजवाब कर रहे हैं बल्लेबाजी यहाँ पे। 125 पे पहुंची है लखनऊ, 27 पे बदौनी, ओवर की चौथी गेंद, एक और रन लिया यहाँ पे। जी नहीं, थोड़ी सी मिसफील्ड यहाँ पे, एक को दो में तब्दील करेंगे, खराब फील्डिंग कह सकते हैं आज दिल्ली कैपिटल्स के द्वारा, बहुत रन दिए इन्होंने मिसफील्ड में, काफ़ी साधारण सी फील्डिंग कर रहे हैं यहाँ पे, कोई खास इम्पैक्ट नहीं दिखा पा रहे हैं। एक्स्ट्रा कवर्स की दिशा में शॉट खेला था, दो रन चुराए थे वहाँ पे। 127 पे पहुंची लखनऊ यहाँ पे, ओवर की पांचवी गेंद, यहाँ विकेट की तलाश कर रहे हैं, एक रन और मिलेंगे बदौनी को। 30 पे पहुंचे बदौनी, 128 पे लखनऊ, एक रन मिले इस ओवर से अभी तक, 7 रन आ चुके हैं इस ओवर से अभी तक। लाजवाब बल्लेबाजी, 128 पे लखनऊ, 23 गेंदों में 34 रन की पार्टनरशिप, अच्छा शॉट खेला था वहाँ पे आयुष बदौनी ने ओवर की पांचवी गेंद पर, गेंद को टहलाया था वहाँ पे गली की दिशा में, एक रन चुराया था ओवर की आखिरी गेंद, कोई रन नहीं, हाथ खोलने का मौका ही नहीं दिया यहाँ पे अरशद खान को। 7 रन आए पिछले ओवर से, अच्छा घटा लखनऊ के लिए जिस कंडीशन में लखनऊ यहाँ पे है। आयुष बदौनी 23 गेंदे 30 रन बना के खेल रहे हैं, 3 ओवर अभी भी शेष इस मैच में, इस सेशन में। अच्छी बैटिंग लाइनअप लखनऊ की, अच्छा कमाल दिखा रहे हैं यहाँ पे आखिरी के बल्लेबाज ये, और अभी तक की ये लखनऊ की आज की सबसे बड़ी पार्टनरशिप बनते हुए यहाँ पे 24 गेंदों में 34 रन की। लखनऊ ने टॉस जीता, पहले किया बल्लेबाजी का फैसला, फैसला गलत साबित हुआ था, लेकिन यहाँ मैच बना रहे हैं यहाँ पे दोनों बल्लेबाज, 8वें विकेट के लिए अच्छी पार्टनरशिप यहाँ पे। 3 ओवर 18 गेंदों का खेल शेष है यहाँ पे, अक्षर पटेल 4 ओवर डाल चुके हैं, 26 रन दिए हैं उन्होंने, अच्छी इकोनॉमी पर विकेट हाथ नहीं लगा उनके। देखना होगा ईशांत शर्मा को लाएंगे शायद गेंदबाजी करवाने के लिए, आखिरी के 3 ओवर शेष हैं अभी भी। 128 पे लखनऊ, 150 के अंदर रोकने की जरूर कोशिश करेगी यहाँ पे दिल्ली कैपिटल्स, विकेट की तलाश कर रही है दिल्ली कैपिटल्स, और उनको जरूरत भी यहाँ पे विकेट की। काफ़ी डिस्कशन हो रहा है यहाँ पे किसको लाया जाए गेंदबाजी कराने के लिए। खलील अहमद अपना आखिरी ओवर लेके आए हैं, 28 रन दिया इन्होंने, 2 विकेट झटके यहाँ पे। चौथा ओवर लेके आए हैं, पहली गेंद यहाँ बॉल हवा में और बॉल सीमारेखा के पार भी, 10 ओवर्स के बाद पहला छक्का यहाँ पे आया है लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए। बेहतरीन बल्लेबाजी आयुष बदौनी द्वारा, 10 ओवर के बाद पहला ये छक्का मारा यहाँ पे लखनऊ सुपर जायंट्स के बल्लेबाज ने। बेहतरीन शॉट यहाँ आयुष बदौनी का, 134 पे पहुंच गई है लखनऊ, मिड विकेट की दिशा में खेला था शॉट ये, बेहतरीन सीधा फील्डर्स के हाथ में, माफ कीजिएगा सीधा यहाँ स्पेक्टेटर्स के हाथ में, दर्शकों के हाथ में। अच्छी यहाँ पे बल्लेबाजी आयुष बदौनी, 24 गेंदे 36 रन, ओवर की दूसरी गेंद, एक रन लेने में और कामयाब, अच्छी रणनीति यहाँ पे, बड़ा शॉट खेलने के बाद तुरंत ही स्ट्राइक चेंज किया। 135 पे पहुंच गई लखनऊ, यहाँ विकेट की तलाश कर रही थी दिल्ली कैपिटल्स, हालांकि अच्छा था मिड में दिल्ली कैपिटल्स के लिए मैच, पर आखिरी में मूड बिगाड़ते हुए दोनों बल्लेबाज। अच्छी बैटिंग, अच्छी बल्लेबाजी, लाजवाब बल्लेबाजी यहाँ पे आयुष बदौनी और खान साहब द्वारा। ओवर की तीसरी गेंद कराएंगे यहाँ पे खलील अहमद, 135 रन पे 7 विकेट हैं लखनऊ, अच्छी बल्लेबाजी चल रही है दोनों बल्लेबाजों की, लगातार स्ट्राइक भी चेंज कर रहे हैं। ओवर की तीसरी गेंद, खूबसूरत ये शॉट यहाँ पे अरशद खान द्वारा, लाजवाब यहाँ पे बल्लेबाजी, 11 रन आ चुके हैं तीसरी गेंद पे यहाँ पे ओवर के, बड़ा ओवर साबित हुए लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए। खूबसूरत अच्छी गेंद नहीं करवा रहे यहाँ पे खलील अहमद, साधारण सी गेंद थी वहाँ पे खलील अहमद की, मिड विकेट की दिशा में खाली जगह देखी वहाँ पे अरशद खान ने, मार दिया शॉट।
नौवें नंबर के बल्लेबाज हैं अरशद खान, 11 गेंदों में 13 रन बना के खेल रहे हैं। 45 रन की पार्टनरशिप हो चुकी है अभी तक 28 गेंदों में। खूबसूरत पार्टनरशिप, ओवर की चौथी गेंद, कोई रन नहीं। यहाँ पे फिर से हाथ खोलने गए थे अरशद खान, फंसाया वहाँ पे, थोड़ा सा छकाया वहाँ पर अरशद खान को। यहाँ विकेट की तलाश कर रही होगी दिल्ली कैपिटल्स। 11 रन आ चुके हैं अभी भी इस ओवर से, 4 गेंदे हुई हैं, 2 गेंदे शेष हैं अभी भी। एक और बड़ा ओवर आते हुए यहाँ लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए। यहाँ तलाश में है, 5वीं गेंद सामने यहाँ पे होंगे अरशद खान। खलील अहमद की 5वीं गेंद 139 पे पहुँच चुकी है लखनऊ। यहाँ पे जोरदार अपील यहाँ पे ओवर की 5वीं गेंद पर, जी नहीं, अंपायर ने नॉट आउट करा दिया, 1 रन लेने में कामयाब। जी नहीं, यहाँ मिस फील्ड, ये लगातार मिस फील्ड कर रहे हैं आज दिल्ली कैपिटल्स के यहाँ पे फील्डर्स, काफ़ी मामूली सी खराब फील्डिंग यहाँ पे। लेग बाई का इशारा अंपायर द्वारा, 141 पे पहुँच गई है लखनऊ। खूबसूरत बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ यहाँ पे, काफ़ी अच्छी पोजीशन पे लखनऊ है यहाँ पे। जिस हिसाब से बीच के ओवर बीते थे वहाँ पे काफ़ी अच्छा बैकअप किया लखनऊ ने। खराब शॉट ये, खराब माफ कीजिएगा, खराब गेंद ये, अच्छी शॉट यहाँ पे और खराब फील्डिंग यहाँ पे स्लिप्स की दिशा में। लेग बाई करार दिया अंपायर ने, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ सिर्फ लखनऊ को रन्स चाहिए, वो चाहे जैसे भी आए। 141 पे पहुँच चुकी है लखनऊ। 18वें ओवर की आखिरी गेंद अभी भी शेष, ओवर की आखिरी गेंद, बॉल हवा में एक बार फिर से, बेहतरीन शॉट मारा यहाँ पे। 13 रन आ चुके अभी तक ओवर से, जी नहीं, 2 रन मिलेंगे यहाँ पे। नो मैन्स लैंड में गिरी बॉल, कैच ड्रॉप हुआ यहाँ पे, यहाँ कैच नहीं है, कैच नहीं है, मैच होते हैं, दूसरा कैच ड्रॉप करते हुए यहाँ दिल्ली कैपिटल्स आज का। बड़ा मौका, बड़ी मछली फंसाई थी यहाँ पे, यहाँ विकेट की दरकार थी, साधारण सा कैच था यहाँ पे पृथ्वी शॉ। काफ़ी मामूली सी फील्डिंग यहाँ पे दिल्ली कैपिटल्स की, खुश यहाँ पे फैंस लखनऊ के, और हो भी क्यों ना, 143 पे पहुँच चुकी है लखनऊ 7 विकेट के नुकसान पर। 18 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। खलील अहमद 41 रन दे चुके हैं 4 ओवर में, 2 विकेट झटके हैं उन्होंने, तीसरा झटका मिलने वाला था पर यहाँ कैच छोड़ा पृथ्वी शॉ ने आखिरी गेंद पर। बड़ा ओवर ये, पिछले ओवर में 15 रन आए लखनऊ के लिए, अच्छी पोजीशन में यहाँ लखनऊ, और लखनऊ का इतिहास रहा है, जब जब लखनऊ ने 160 बनाए पिछले 3 सीज़न में, तब तब उन्होंने डिफेंड किया 160 रन और मैच को जीता है। आज फिर मौका होगा 160 तक पहुँचाने का यहाँ पे। एक समय में 100 रन भी पूरे नहीं दिख रहे थे लखनऊ के लिए, अच्छी पार्टनरशिप किया यहाँ पे, 30 गेंदों में 49 रन की आयुष बदूनी ने और अरशद खान ने, बेहतरीन कंट्रीब्यूशन दोनों का, लाजवाब बल्लेबाजी। 30 गेंदों में 49 रन की पार्टनरशिप, आयुष बदूनी 25 गेंद 37 रन बना के खेल रहे हैं। मुकेश कुमार काफ़ी महंगे साबित हुए हैं, अपना आखिरी ओवर लेके आए, 19वां ओवर ये खेल का, 28 रन दिया है उन्होंने 3 ओवरों में, 1 विकेट झटका है मात्र, अच्छा नहीं बीत रहा मुकेश कुमार का भी, यह आईपीएल सीज़न ख़राब किया उन्होंने काफ़ी। देखना होगा, यहाँ विकेट की तलाश जरूर होगी दिल्ली कैपिटल्स को, यहाँ ये पार्टनरशिप को तोड़ने की ज़रूरत होगी। हालांकि पिछले ओवर की आखिरी गेंद पर मौका बनाया जरूर था पर उसे भुना नहीं पाए पृथ्वी शॉ। 12 गेंदों का खेल शेष यहाँ पे, क्या हो सकता है यहाँ पे, एक विकेट की तलाश पूरी यहाँ पे दिल्ली कैपिटल्स की। काफ़ी लंबी डिस्कशन करते हुए यहाँ पे, और ज़रूरत भी है, फील्डिंग सेट कर रहे हैं, यहाँ अच्छी फील्डिंग सेट करनी होगी। हालांकि पिछले गेंद पर कैच जरूर छोड़ा था, इंपैक्ट प्लेयर के रूप में आए यहाँ पे फील्डिंग करने के लिए। खलील अहमद मैदान से बाहर चले गए यहाँ पे। ओवर की पहली गेंद मुकेश कुमार की, बॉल एक बार फिर से हवा में, क्या यहाँ मौका बन सकता है, जी नहीं, बॉल सीमा रेखा के पार, 4 रन के लिए। जी हाँ, यहाँ थोड़ी सी पहले बॉल ने बाउंस लिया, 4 रन पूरे मिलेंगे यहाँ पे। आयुष बदोनी लाजवाब बल्लेबाजी, 158 की स्ट्राइक रेट से 26 गेंदों में 41 रन बना के खेल रहे हैं, खूबसूरत इन्होंने बल्लेबाजी की है। एक्स्ट्रा कवर्स की दिशा में शॉट था यहाँ पे, कोई फील्डर नहीं था मौजूद वहाँ पे, बेहतरीन दिशा देख करके कोई रिस्क नहीं लिया उन्होंने। ओवर की दूसरी गेंद कराएंगे मुकेश कुमार, 147 पे पहुँच चुके हैं लखनऊ, 3 रन दूर अपने 150 के आंकड़े से।
वहीं आयुष बदोनी 9 रन दूर अपने अर्धशतक से खूबसूरत बल्लेबाजी की है इन्होंने। ओवर की दूसरी गेंद कराएंगे मुकेश कुमार, पिछले ओवर में भी जम की थी इनकी पिटाई आयुष बदोनी ने, और यहाँ भी पिटाई करने के पक्ष में। दूसरी गेंद और एक खूबसूरत सा चौका, यहाँ पे दो बैक टू बैक बाउंड्रीज आयुष बदोनी की, 150 का आंकड़ा टच किया है लखनऊ ने, 151 पर पहुंची 7 विकेट के नुकसान पर। खूबसूरत ये शॉट खेला यहाँ पे आयुष बदोनी, कमाल की बल्लेबाजी। वहीं मुकेश कुमार मामूली गेंदबाजी, काफ़ी ख़राब गेंदबाजी, दिल्ली कैपिटल्स की टीम में इनको होना भी नहीं चाहिए था। मिड विकेट की दिशा में गई थी गेंद, बेहतरीन शॉट मारा था वहाँ पे आयुष बदोनी ने। 4 गेंदें शेष अभी भी इस ओवर से, 8 रन आ चुके हैं, बड़ा ओवर बनता हुआ ये लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए। 150 का आंकड़ा पार किया यहाँ पे, काफ़ी लंबा डिस्कशन कर रहे हैं यहाँ पे ऋषभ पंत, और जरूरत भी है। ओवर की तीसरी गेंद कराएंगे यहाँ पे मुकेश कुमार, सामने होंगे आयुष बदोनी, 5 रन दूर अपने अर्धशतक से, बेहतरीन शॉट ये, पर यहाँ सिर्फ 2 ही रन मिलेंगे। बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट, 153 पर पहुंच गए लखनऊ 7 विकेट के नुकसान पर। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों बल्लेबाजों द्वारा। 9 गेंदों का खेल शेष अभी भी, 10 रन आ चुके इस ओवर से अभी तक, 59 रन की हो चुकी है पार्टनरशिप, लाजवाब पार्टनरशिप 8वें विकेट के लिए। आईपीएल सीजन में, इस आईपीएल सीजन में पहली बार इतनी अच्छी पार्टनरशिप देखने को मिल रही है 8वें विकेट के लिए। खूबसूरत बल्लेबाजी करते हुए खूबसूरत यह मैच घटता हुआ लखनऊ के लिए। अब 160 क्रॉस करना है उन्हें हर हाल में। जब जब लखनऊ ने 160 क्रॉस किया है पिछले सभी सीजनों में, तब तब लखनऊ बिजे रही है, डिफेंड किया उन्होंने, एक मैच भी नहीं हारा अभी तक 160 प्लस पे। चौथी गेंद, यहाँ कोई रन नहीं, अच्छी गेंद मुकेश कुमार की, मौका नहीं दिया यहाँ बदोनी को हाथ खोलने का, 3 रन दूर है यहाँ पे बदोनी अपने अर्धशतक से। यहाँ कैच छोड़ा था पृथ्वी शॉ ने अहमद, खलील अहमद का, काफ़ी साधारण सा कैच था वो। यहाँ बड़ा शॉट खेलने की कोशिश कर रहे हैं फिर से बदोनी, और जरूरत भी है उनकी टीम को, अब मैच भी सिर्फ 8 गेंदों का बचा हुआ है। यहाँ बड़े शॉट खेल करके 170-175 तक भी पहुँचा सकते अपनी टीम को। ओवर की 5वीं गेंद, 1 रन और मिलेगा यहाँ पे आयुष बदोनी, अच्छी बल्लेबाजी जी नहीं, फिर से मिसफील्ड, यहाँ पे लगातार मिसफील्ड की झड़ी लगा दिया है दिल्ली कैपिटल्स ने, बहुत मौके दिए यहाँ पे। 155 पे पहुँच गई लखनऊ 7 विकेट के नुकसान पर, 2 रन आए, अच्छा शॉट खेला, 49 पे पहुँचे बदोनी 1 रन दूर अपने अर्धशतक से, अच्छा शॉट खेला था उन्होंने। ऋषभ पंत ने काफ़ी ख़राब थ्रो किया वहाँ पे, 1 रन को 2 रन में तब्दील किया था। 1 रन दूर यहाँ पे अपने अर्धशतक से बदोनी, जहाँ आए यहाँ पे थोड़ी सी शायद चोट लगी यहाँ पे बदोनी को, इंजर्ड बताया अभी, देखना होगा यहाँ पे फिजियो आएंगे मैदान पर। 1 रन दूर, यहाँ वापस तो बिल्कुल नहीं जाएंगे क्योंकि 1 ही रन दूर है अपने अर्धशतक से, और ज़रूर कोशिश करेंगे अर्धशतक पूरा करने का यहाँ आज। जी हाँ, पहला अर्धशतक होगा ये आज लखनऊ सुपर जायंट्स का, 61 रनों की पार्टनरशिप 35 गेंदों में, लाजवाब ये पार्टनरशिप घट रहा है अभी। लखनऊ काफ़ी मजबूत स्थिति में आ गई, बीच के ओवरों में तो पूरी तरह तहस नहस हो गई थी लखनऊ, पर क्या कमबैक किया लखनऊ ने उसके बाद 155 पे 7। वहीं मुकेश कुमार काफ़ी ख़राब गेंदबाजी, 40 रन दे चुके हैं, 1 गेंद शेष है अभी भी उनके ओवर में, काफ़ी ख़राब गेंदबाजी करवाते हैं मुकेश कुमार, कोई दम नहीं है उनकी गेंदबाजी में, बेकार गेंदबाज हैं, काफ़ी रद्दी गेंदबाज मुकेश कुमार। वहीं कुलदीप यादव, पहला मैच खेला उन्होंने आज, 3 झटके लिए, 3 विकेट लिए उन्होंने, खूबसूरत गेंदबाजी, 20 रन दिए मात्र 4 ओवरों में। आयुष बदोनी 1 रन दूर अपने अर्धशतक से, अरशद खान 14 गेंदे 15 रन, अच्छे साथ देते हुए यहाँ पे बदोनी का, 4 चौके 1 छक्के मार चुके बदोनी, 1 गेंद शेष अभी भी, 9-12 रन आ चुके हैं इस ओवर से अभी तक, बड़ा ओवर साबित हो रहा है अभी लखनऊ के लिए। 7 गेंदों का खेल शेष है, जरूर 170 तक तो जरूर पहुँचाने की कोशिश करेंगे लखनऊ, और लखनऊ का रिकॉर्ड रहा है जब जब 160 प्लस बनाया तब तक मैच जीता है, डिफेंड किया उन्होंने पूरे आईपीएल कैरियर में अभी तक। यहाँ आखिरी गेंद कराएंगे 1 रन से 7, यहाँ अर्धशतक पूरा करेंगे बदोनी, बेहतरीन यहाँ पे अर्धशतक उनका, लाजवाब बल्लेबाजी बदोनी द्वारा, खूबसूरत बल्लेबाजी, 31 गेंदों में आया ये अर्धशतक, 161 से ऊपर की स्ट्राइक रेट, टीम को जरूरत थी उनकी और उन्होंने वो पूरा करके दिया यहाँ पे।
156 पे लखनऊ 7 विकेट के नुकसान पर। 19 ओवर समाप्त हो चुके हैं, 6 गेंदों का खेल शेष है अभी। 170 तक तो जरूर पहुंचने की कोशिश करेगी लखनऊ, अच्छी पोजीशन में। जो उम्मीद थी बदोनी से वो करके दिया बदोनी ने यहाँ पे, और स्ट्राइक पे भी बदोनी ही होंगे अगले ओवर में। एक रन के साथ वहाँ पे पूरा किया था, मिड विकेट की दिशा में शॉट खेला था। आखिरी ओवर ईशांत शर्मा लेके आएंगे, 3 ओवर कराए उन्होंने, 25 रन दिए, एक झटका दिया उन्होंने। यहाँ विकेट जरूर तलाश करेंगे दिल्ली, शुरुआत के कुछ गेंदों पर विकेट लेना होगा, अन्यथा काफ़ी देर हो जाएगी। 170 तक पहुँच जाएगी लखनऊ आराम से। और हम आपको बार बार बता रहे हैं, ओवर की पहली गेंद पर बॉल हवा में, खूबसूरत दंदना था वह चौका, बेहतरीन शुरुआत लखनऊ के लिए। लाजवाब बल्लेबाजी आयुष बदोनी की, पहली गेंद पर बाउंड्री प्राप्त की, बॉल काफ़ी देर हवा में रही, वहाँ 4 रन मिले पूरे लखनऊ को। 160 पर पहुंचे चौके के साथ लखनऊ 7 विकेट के नुकसान पर। लाजवाब ये शॉट मारा था बदोनी ने एक्स्ट्रा कवर्स की दिशा में, कोई फील्डर मौजूद नहीं था वहाँ पे। ये बड़ा ओवर बनाने की कोशिश करेंगे फिर से बदोनी, 5 गेंदें अभी भी शेष है इस ओवर में। ओवर की दूसरी गेंद, फिर से बदोनी स्ट्राइक पे, ईशांत शर्मा की दूसरी गेंद, कोई रन नहीं, अच्छी गेंद ईशांत शर्मा की, बाउंसर कराया यहाँ पे, यहाँ छकाया, यहाँ विकेट लेने गए थे यहाँ पे। दूसरी गेंद पर कोई रन नहीं, अच्छी गेंदबाजी, 4 गेंदें अभी भी शेष इस ओवर में। लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे हैं बेहतरीन यहाँ पे, 4 गेंदे अभी भी शेष है। 54 पर पहुंच गए बदोनी, 33 गेंदों का किया है सामना, 4 गेंदों में बड़ा ओवर बनाने की कोशिश करेंगे। 10 रन की और यहाँ पे तलाश जरूर कर रहे होंगे लखनऊ अगले 4 गेंदों में, देखना होगा। वाइड गेंद, एक मुफ्त के और रन यहाँ पे ईशांत शर्मा, यहाँ वाइड और नो बॉल से बचना होगा आपको। यहाँ काफ़ी अच्छी पोजिशन में पहुँच चुकी है लखनऊ ऑलरेडी, काफ़ी बाहर गेंद फेंकी यहाँ पे, मुफ्त का रन दिया यहाँ पे, खराब गेंदबाजी यहाँ पे। ईशांत शर्मा काफ़ी महंगे साबित हो चुके हैं, मुकेश कुमार फास्ट बॉलर्स की खूब पिटाई हुई आज, खलील अहमद भी काफ़ी महंगे साबित हुए हैं। ओवर की तीसरी गेंद एक बार फिर से डाल ली होंगी यहाँ पे, 161 पे लखनऊ 7 विकेट के नुकसान पर। 8.33 के रन रेट से रन बना रहे, कल एक बेहतरीन मुकाबला पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल्स द्वारा। फिर से हम आपके साथ जुड़ेंगे शाम 7:30 बजे, यहाँ ओवर की तीसरी गेंद घटती हुई, 2 रन, बेहतरीन शॉट यहाँ पे आयुष बदोनी का, जी नहीं, बेहतरीन लाजवाब फील्डिंग वहाँ पे काफ़ी देर के बाद देखने को मिली है दिल्ली कैपिटल्स द्वारा। एक ही रन लेने का मौका दिया, 162 पे पहुंची लखनऊ 7 विकेट के नुकसान पर। बड़ा शॉट खेलने गए थे, फिर से मौका नहीं दिया, एक ही रन लेने दिया यहाँ पे। अच्छा कमबैक किया यहाँ पे ईशांत शर्मा ने पिछले 2 गेंदों में, 3 गेंदों का खेल अभी भी शेष, 162 पे लखनऊ। लखनऊ ने उतना रन बना लिया जितने उनकी ज़रूरत थी, जब जब लखनऊ ने 160 से ऊपर बनाया तब तक उन्होंने डिफेंड किया है लखनऊ, और जीती है वो मुकाबला पूरे अभी तक के आईपीएल कैरियर में, तो वो कर चुके हैं लखनऊ। यह देखना होगा, 3 गेंदे अभी भी शेष, 55 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं बदोनी, 34 गेंदों का किया सामने। अरशद खानिया बल्लेबाजी करते हुए, खूबसूरत शॉट यहाँ पे, बेहतरीन साथ दे रहे हैं वो अरशद खान यहाँ पे। 166 पे पहुंची लखनऊ चौके के साथ, 9वें स्थान का ये बल्लेबाज, बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 166 पे पहुंची है लखनऊ 7 विकेट के नुकसान पर। काफ़ी खुश, काफ़ी उत्साह हुआ मैदान पर लखनऊ के फैंस द्वारा, और होना भी चाहिए। फाइन लेग की दिशा में शॉट खेला था, कोई फील्डर नहीं था वहाँ पे, किसी के पास कोई मौका नहीं। एक तरफ बनौनी, दूसरी तरफ अरशद खान, 72 रन की पार्टनरशिप 8वें विकेट के लिए। ये 8वें विकेट की बड़ी, सबसे बड़ी पार्टनरशिप होगी इस आईपीएल सीजन की अभी तक। 2 गेंदे अभी भी शेष, बड़ा ओवर ये, 10 रन आ चुके इस ओवर से, काफ़ी ख़राब गेंदबाजी ईशांत शर्मा द्वारा। ओवर की 5वीं गेंद, यहाँ बॉल फिर से हवा में, लेकिन एक ही रन मिलेगा, नो मैंस लैंड में गिरी गेंद, कैच ड्रॉप यहाँ पे, तीसरा कैच ड्रॉप यहाँ पे दिल्ली द्वारा। लगातार खराब फील्डिंग, ओवर थ्रो के फालतू के रन, मिस फील्ड्स, और यहाँ पे फिर से एक और कैच ड्रॉप, तीसरी कैच ड्रॉप। यह काम करना होगा दिल्ली को फील्डिंग पे बहुत,
अच्छा मौका बनाया था, साधारण सा कैच था यहाँ पे। और अब की बार बड़े खिलाड़ी डेविड वार्नर ने कैच छोड़ा, वो लाजवाब फील्डर है, जबकि डेविड वार्नर छोड़ते नहीं है ऐसे कैच वो। क्या उन पे भारी पड़ेगा, हालांकि एक ही गेंद शेष है इस इनिंग में, लेकिन क्या ये छक्का लग सकता है अगली गेंद पर। काफी खराब यहाँ पे, जी नहीं, आखिरी गेंद, कोई रन नहीं। खूबसूरत ये गेंद यहाँ ईशांत शर्मा की, इनिंग्स भी समाप्त। 167 बना पाई है लखनऊ 7 विकेट के नुकसान पर। 20 ओवर की भी समाप्ति, 8.35 की रन रेट से रन बनाया उन्होंने। लाजवाब बल्लेबाजी यहाँ पे बदौनी द्वारा, 35 गेंदों में 55 रन, 5 चौके, 1 छक्का, 157 से ऊपर की स्ट्राइक रेट। वहीं अरशद खान 16 गेंदे 20 रन, 2 चौके, बेहतरीन 125 की स्ट्राइक रेट। लाजवाब अच्छी पोजीशन पे खड़ा कर दिया यहाँ पे लखनऊ को लाके इन दोनों बल्लेबाजों ने। 42 गेंदों में 73 की पार्टनरशिप इस आईपीएल सीजन की, 8वें नंबर पे सबसे बड़ी पार्टनरशिप 8वें विकेट के लिए। वहीं लखनऊ ने टॉस जीता था, पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था, शुरुआत के 4 ओवरों में जम के पिटाई की थी, उसके बाद काफ़ी फंसते हुए नजर आए थे, और अब उसके बाद आखिरी के 5-6 ओवर काफ़ी अच्छे बीते यहाँ पे लखनऊ के लिए, जम के पिटाई की यहाँ पे दिल्ली कैपिटल्स के फास्ट गेंदबाजों की। 168 बनाने होंगे दिल्ली को जीत के लिए, बड़ा लक्ष्य दिल्ली के लिए सेट हो गया है। और अभी तक आईपीएल के इतिहास रहा है लखनऊ सुपर जायंट्स का, अभी तक के आईपीएल कैरियर में जब जब उन्होंने 160 से ज़्यादा रन बनाए हैं उन्होंने डिफेंड किए हैं। आज देखना होगा आज ये क्या डिफेंड कर पाएंगे, अहम मुकाबला यहाँ पे। 15 मिनट के बाद खेल की शुरुआत होगी दोबारा से, हम आपके साथ दोबारा जुड़ेंगे 15 मिनट के बाद।
यहाँ 167 बनाए लखनऊ ने, 168 बनाने होंगे दिल्ली कैपिटल्स को जीत के लिए। कुछ ही मिनट शेष, दिल्ली कैपिटल्स की पारी शुरुआत होगी। अच्छी बल्लेबाजी की आज लखनऊ ने आखिरी के कुछ ओवरों में, क्या खूबसूरत बल्लेबाजी आयुष बदोनी और अर्शद खान के बीच, बेहतरीन पार्टनरशिप 73 रनों की, लाजवाब। देखने वाली बात होगी दिल्ली कैपिटल्स 168 चेस करने उतरेगी। वैसे हालांकि जब जब बनाया है 160 से ऊपर लखनऊ ने स्कोर, मैच को जीता है उन्होंने, तो आज यहां पे कुछ कमाल दिखा पाएंगे। कमाल करना होगा आज बल्लेबाजी से, शुरुआत में अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी यहां पे। अच्छा घटाई है मैच, पिछले ओवर में भी आए थे 11 रन, कुछ कमाल करना होगा यहां पे। कुछ ही क्षणों में मैच की शुरुआत होगी यहां पे। अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिली पूरे मैच में। कुछ और जिस हिसाब की गेंदबाजी की थी दिल्ली कैपिटल्स ने, वैसी आज बल्लेबाजी भी करनी होगी, बीच के ओवरों में जैसी गेंदबाजी की थी। अच्छी पोजीशन पे यहाँ पे दिल्ली कैपिटल्स, 168 रन बनाने होंगे 120 गेंदों में। काफी उम्मीद होगी शुरुआती बल्लेबाजों से आज, यहाँ कुछ ही क्षणों में मैच की शुरुआत होगी। काफी अहम ये मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स के लिए, 5 में से 1 मैच मुकाबला जीता है बस इन्होंने। वहीं लखनऊ सुपर जायंट्स जिस हिसाब की शुरुआत की थी उस हिसाब का अंजाम मिला उनको, बीच के ओवर काफी खराब थे उनके लिए बेशक। बस कुछ ही क्षण शेष मैच की शुरुआत होने में, यहां बल्लेबाजी करने के लिए डेविड वार्नर पृथ्वी शॉ स्टेडियम में आते हुए। कुछ ही समय में आपको पूरा अच्छे से इंटरफेस दिखेगा यहां पे, अभी आपको व्हाइट व्हाइट से दिख रहा होगा यहां पे, प्लेयर्स दिखेंगे आपको यहां पे। कुछ ही क्षणों का सब्र कर लीजिए आप भी, तब तक वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो हमारा मोटिवेशन बना रहेगा, बेहतरीन पूरे मैच का हाल बताएंगे आपको आज, पूरी बल्लेबाजी दिल्ली कैपिटल्स की बताएंगे आपको बिना किसी रुकावट के। क्या चेस कर पाएगी दिल्ली कैपिटल्स 168, लखनऊ का रिकॉर्ड रहा है। जब जब लखनऊ ने 160 से ऊपर रन बनाए हैं तब तक उन्होंने डिफेंड किया है, आज भी डिफेंड करने वाली बात रहेगी, क्या यहां से डिफेंड कर पाएंगे लखनऊ। मैदान में आते हुए यहां पे खिलाड़ी काफी जोश जुनून के साथ आ रहे हैं। यहां कमाल करना होगा आज गेंदबाजों को, अब लखनऊ के अच्छे रन बना के दे दिए वहां पे। अर्शद खान से करेंगे गेंदबाजी आज शुरुआत यहां पे, डेविड वार्नर पृथ्वी शॉ दोनों अहम बल्लेबाज। ओवर की पहली गेंद करवाएंगे यहां पे अर्शद खान, काफी अच्छी बल्लेबाजी की आज अर्शद खान ने, अब गेंदबाजी से भी कमाल दिखाएंगे। काफी अहम मैच ये दिल्ली कैपिटल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए, 120 में 168 रन की दरकार, अच्छी शुरुआत करनी होगी दिल्ली कैपिटल्स को यहाँ पे, बड़े शॉट्स खेलने पड़ेंगे
अच्छी बैटिंग लाइनअप है इनकी भी, हालांकि कुछ कमाल नहीं दिखा पाए अभी तक आईपीएल सीजन में, इस आईपीएल सीजन में, पर यहाँ खासी उम्मीद उनकी टीम को, उनके फैंस को उनसे। यहाँ ओवर की पहली गेंद कराएंगे, ओवर की पहली गेंद एक रन के साथ शुरुआत की पृथ्वी शॉ ने, स्ट्राइक चेंज किया, बेहतरीन शॉट मारा था, आउटफुल फील्ड काफ़ी तेज, काफ़ी तेज़ी से बॉल फील्डर के हाथों में गई, एक रन मिला मात्र। अच्छा ये ओवर की शुरुआत की है यहाँ पे अरशद खान ने, क्या लाजवाब बल्लेबाजी की आज अरशद खान ने, अच्छा साथ दिया आयुष बदोनी का। यहाँ कुछ दिक्कतें आ रही हैं यहाँ पे खेलने में डेविड वार्नर को, फिजियो आएंगे शायद मैदान पर, दौड़ लगाई थी काफ़ी तेज पर वहाँ पे थोड़ा सा स्लिप किए थे, देखना होगा या इंजर्ड यहाँ पे नहीं हो सकते आप। आज बड़ा टोटल चेस कर रही है दिल्ली कैपिटल्स लखनऊ के इस स्टेडियम में, लखनऊ ने टॉस जीता था, पहले किया था बल्लेबाजी का फैसला, शुरुआत काफ़ी अच्छी रही थी, बीच में काफ़ी फंसे थे पर अंजाम बहुत अच्छा रहा उनका, और उसी तरीके से गेंदबाजी भी करनी होगी आज। अरशद खान, आयुष बदोनी और केएल राहुल, काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी, अरशद खान ने भी काफ़ी अच्छा साथ दिया था वहाँ पे। जी हाँ फिजियो आए मैदान पर, यहाँ कुछ थोड़ी सी दिक्कतें आई थी बल्लेबाजों को रन भागने में, क्रैम्प सा लगा था उन्हें। वही आज दिल्ली कैपिटल्स की फील्डिंग काफ़ी साधारण फील्डिंग की थी दिल्ली कैपिटल्स ने, काफ़ी एक्स्ट्रा रन दिए उन्होंने, तीन कैच छोड़े उन्होंने पूरे पारी में अपने। ओवर की दूसरी गेंद, कोई रन नहीं, खूबसूरत गेंदबाजी की शुरुआत यहाँ पे लखनऊ के गेंदबाजों द्वारा, 118 गेंदों में 167 चाहिए जीत के लिए यहाँ पे दिल्ली कैपिटल्स को, बड़ी शुरुआत करनी होगी, बड़े बड़े शॉट लगाने होंगे यहाँ पे शुरुआत में ही, काफ़ी बड़ा टोटल है जिस हिसाब का ये मैदान है, यहाँ अच्छी शुरुआत करनी होगी, बड़े बड़े शॉट खेलने होंगे आपको शुरुआत में। डेविड वार्नर स्ट्राइक पे हैं, हालांकि वार्नर आईपीएल के अभी तक के किंग रहे हैं, अच्छा रिकॉर्ड है उनका आईपीएल में। आज दिल्ली कैपिटल्स का नैयों को पार लगाना होगा यहाँ पे। ओवर की तीसरी गेंद यहाँ पे, फिर से कोई रन नहीं, खूबसूरत गेंदबाजी करवाते हुए अरशद खान यहाँ पे, हाथ खोलने का मौका नहीं दे रहे डेविड वार्नर को, बड़े शॉट लगाने की कोशिश कर रहे हैं शुरुआत से डेविड वार्नर, अच्छी यहाँ पे करते हुए गेंदबाजी अरशद खान, एक रन दिया है मात्र अभी तक, तीन गेंदे हो चुकी है, तीन गेंदों का खेल, अच्छी शुरुआत कह सकते हैं लखनऊ के लिए। यहाँ विकेट तलाशे की शुरुआत में ही लखनऊ, जरूरत है उन्हें विकेट्स लेकर के, प्रेशर बनाएगी दिल्ली कैपिटल्स पे शुरुआत में ही, हालांकि काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी नहीं की है दिल्ली कैपिटल्स ने। चौथी गेंद एक रन के साथ यहाँ खाता खोला डेविड वार्नर ने भी अपना, दो पे पहुँची दिल्ली, बड़ा शॉट मारने जा रहे थे लगातार, तीसरी गेंद पर फाइनली उन्होंने एक रन लिया, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों बल्लेबाजों की। पृथ्वी शॉ अभी तक अच्छा नहीं घटा है उनका ये आईपीएल सीज़न, और डेविड वार्नर का भी कुछ खास नहीं रहा यह सीज़न, मिड विकेट की दिशा में गई थी गेंद, एक रन बटोरा था। ओवर की चौथी गेंद अरशद खान की, सामने पृथ्वी शॉ, बड़े शॉट्स लगाने होंगे दिल्ली कैपिटल्स को, एक रन के साथ यहाँ स्ट्राइक चेंज करेंगे, अच्छा ओवर घट रहा है ये लखनऊ के लिहाज से, मात्र तीन रन दिए उन्होंने तीन गेंदों में, अच्छी शुरुआत, पांच गेंदे हो चुकी है, एक गेंद शेष अभी इस ओवर में, बड़े शॉट्स की तलाश जरूर करेंगे आखिरी गेंद पर, चाहिए भी यहाँ पे दिल्ली कैपिटल्स को बड़े शॉट्स चाहिए यहाँ पे। फाइन लेग की दिशा में खेला था शॉट पिछली गेंद पर, एक रन बटोरे थे। ओवर की आखिरी गेंद यहाँ पे दिल्ली कैपिटल्स तीन रन बना के खेल रही है, आखिरी गेंद पर एक बाउंड्री की तलाश जरूर करेंगे डेविड वार्नर। जी हाँ खूबसूरत ये बाउंड्री, चार रन मिलेंगे यहाँ पे डेविड वार्नर को, बेहतरीन शुरुआत यहाँ पे दिल्ली कैपिटल्स की, सात रन आए पहले ओवर से, अच्छी शुरुआत यहाँ दिल्ली कैपिटल्स द्वारा, संभल के कर रहे हैं बल्लेबाजी और ज़रूरत भी है उनकी टीम को, 168 चेस कर रहे हैं आज लखनऊ के स्टेडियम में, काफ़ी बड़ा होता है ये चेसिंग, काफ़ी खूंखार है स्टेडियम लखनऊ का,
एक्स्ट्रा कवर की दिशा में शॉट मारा था, वहां फील्डर से बॉल के पीछे भागते रह गए। आज पृथ्वी शॉ को भी साथ देना होगा यहां पे डेविड वार्नर का। अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी, अच्छी पार्टनरशिप बनानी होगी शुरुआत में। एक अच्छा रन चेस कर रहे हैं आप, 114 रन चाहिए 161 गेंदों पे। बड़ा चेज ये, क्या यहाँ कुछ कमाल दिखा पाएंगे आज दिल्ली कैपिटल्स के बल्लेबाज। वहीं लखनऊ के बल्लेबाजों ने अपना काम कर दिया। दूसरे ओवर की पहली गेंद, नवीन उलाकाएं गेंदबाजी करवाने, कोई रन नहीं। अच्छी शुरुआत यहाँ नवीन की, अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं नवीन। हालांकि पहले ये आईपीएल सीजन नवीन का भी कुछ अच्छा नहीं बीता। यहाँ पे दिल्ली कैपिटल्स 7 पे पहुंची है बिना किसी नुकसान के। रिक्वायर्ड रन रेट 8.5 से ऊपर का यहाँ पे। शुरुआत में बड़े ये पावर प्ले में बड़े बड़े शॉट्स की दरकार होगी यहाँ पे दिल्ली कैपिटल्स को। ओवर की दूसरी गेंद कराएंगे, सामने होंगे पृथ्वी शॉ, और ये खूबसूरत चौका पृथ्वी शॉ का, बेहतरीन शॉट यहाँ पे पृथ्वी शॉ द्वारा। जरूरत थी उनकी टीम को इस शॉट की, बड़े बड़े शॉट्स की यहाँ पे, और मारा यहाँ पे पृथ्वी शॉ ने। हाथ खोलने के मौका दिया और हाथ खोला भी। अच्छा ये शुरुआत दिल्ली कैपिटल्स के नजरिए से, जिस चीज की दरकार थी वो चीजें पूरी करके दे रहे हैं यहाँ पे। डीप कवर पॉइंट पे मारा था शॉट, अच्छा रन बटोरा, 4 रन अपनी टीम के लिए। 11 पे पहुंची दिल्ली। ओवर की तीसरी गेंद कराएंगे यहाँ पे नवीन उल हक, फिर से खूबसूरत यह चौका पृथ्वी शॉ द्वारा। खूबसूरत बल्लेबाजी पृथ्वी शॉ की, बैक टू बैक दो बाउंड्रीज लगा चुके हैं पृथ्वी शॉ। 15 पे पहुंची दिल्ली, अच्छा तालमेल, अच्छी सूझबूझ यहाँ पे दोनों बल्लेबाजों की। अच्छी शुरुआत कह सकते हैं दिल्ली कैपिटल्स द्वारा। अच्छी गेंद थी ये पिछली गेंद, दो बैक टू बैक बाउंड्रीज लगा चुके हैं। एक्स्ट्रा कवर की दिशा में कोई फील्डर नहीं था वहां पे, टहलाया गेंद को, बेहतरीन डाउन द ग्राउंड शॉट। अच्छा है कि रिस्क नहीं ले रहे यहाँ पे, जरूरत भी नहीं है उनकी टीम को रिस्क लेने की। काफ़ी वेल पोजिशन। ओवर की चौथी गेंद, नवीन उलहक, कोई रन नहीं। फिर से हाथ खोलने गए थे पृथ्वी शॉ पर मौका नहीं दिया यहाँ पे। अच्छी शुरुआत दिल्ली कैपिटल्स, 15 पे पहुंच चुकी है। चार गेंदों का खेल हो चुका है। अच्छा ये ओवर घट रहा है, अभी तक 8 रन आ चुके इस ओवर से दिल्ली कैपिटल्स के लिए। दो गेंदें अभी भी शेष है, देखना होगा क्या कमाल दिखाते हैं दो गेंदों में, क्या बड़े शॉट और खेलने जाएंगे यहाँ पे दिल्ली कैपिटल्स के बल्लेबाज। जरूरत है उन्हें रन्स की। ओवर की 5वीं गेंद करवा रहे हैं यहाँ पे। कोई रन नहीं 5वीं गेंद पर भी, मिसफील्ड जी हाँ यहाँ पे, एक रन जरूर मिलेगा फिर भी। पृथ्वी शॉ 11 पे पहुंच गए, 16 पे पहुंची दिल्ली। अच्छी शुरुआत यहाँ दिल्ली कैपिटल्स के नजरिए से। जिस हिसाब किताब की बल्लेबाजी चाहिए थी वो मिल रही है यहाँ पे दिल्ली कैपिटल्स को, जरूरत थी यहाँ पे। 9 रन आए अभी तक इस ओवर से, अच्छा ओवर ही घट रहा है दिल्ली कैपिटल्स के नजरिए से। एक गेंद अभी भी शेष है यहाँ, आज काफी उम्मीद पृथ्वी शॉ और डेविड वार्नर से दिल्ली कैपिटल्स को रहेगी। अच्छी पार्टनरशिप की जरूरत होगी दिल्ली कैपिटल्स को। ओवर की आखिरी गेंद कराएंगे नवीन उलहक। वहीं लखनऊ जो सुपर जायंट्स विकेट की तलाश कर रही होगी, पहले झटके देने की तैयारी कर रही होगी दिल्ली कैपिटल्स को। आखिरी गेंद, कोई रन नहीं, 9 रन आए पिछले ओवर से दिल्ली कैपिटल्स, 16 रन बिना किसी नुकसान के। दो ओवर की समाप्ति। अच्छी शुरुआत हो चुकी है यहाँ पे दिल्ली कैपिटल्स की, बेहतरीन पोजीशन में दिल्ली कैपिटल्स। अभी 16 रन बना चुके हैं दो ओवर में, 11 रन पे खेल रहे हैं पृथ्वी शॉ। 7 गेंदों का किया है सामना,
वहीं डेविड वार्नर 5 गेंदे 5 रन, अच्छी शुरुआत। यहाँ अरशद खान को लाए गेंदबाजी करवाने के लिए, एक बार फिर से दूसरा ओवर लेके आए अरशद खान अपना। पिछले ओवर से 9 रन आए थे, अरशद खान के पहले ओवर से 7 रन आए थे। यह देखना होगा और क्या कमाल दिखा पाएंगे। तीसरे ओवर की पहली गेंद करेंगे यहाँ पे, 1 रन के साथ यहाँ पे शुरुआत की अरशद खान के। अच्छी शुरुआत यहाँ पे ओवर की, 17 पे पहुंची दिल्ली। स्ट्राइक चेंज किया यहाँ पे पृथ्वी शॉ ने 1 रन के साथ अपना। अच्छी गेंद थी यहाँ पे अरशद खान की, फिर से लगातार अच्छी गेंदबाजी करवा रहे हैं अरशद खान। आज बल्लेबाजी भी अच्छी की है उन्होंने, कवर्स की दिशा में बॉल को टहलाया था, 1 रन पूरा किया अपना। यहाँ बेहतरीन फील्डिंग, फिर भी बाल बाल बची। ओवर की दूसरी गेंद करवाएंगे अरशद खान। सामने होंगे यहाँ पे डेविड वार्नर, बड़े शॉट्स की तलाश कर रहे होंगे डेविड वार्नर। बड़े बड़े शॉट्स लगाते हैं, लंबे लंबे हिट मारते हैं डेविड वार्नर यहाँ पे। 1 रन के साथ स्ट्राइक चेंज करेंगे फिर से डेविड वार्नर। अच्छी सूझबूझ, अच्छी रणनीति दोनों बल्लेबाजों की। अच्छी रणनीति के साथ कर रहे हैं बल्लेबाजी दोनों बल्लेबाज, स्ट्राइक रोटेट कर रहे हैं। यही जरूरत है दिल्ली कैपिटल्स को भी, आराम से आप स्ट्राइक रोटेट कर सकते हैं, स्कोर बोर्ड को आराम से बढ़ा सकते हैं। एक ओवर में एक बाउंड्री, एक छक्का लग जाए बहुत है, ज़्यादा रन नहीं चाहिए आपको। रिक्वायर्ड रन रेट 8.5 के पास पहुंच गया। लेकिन ओवर की तीसरी गेंद कोई रन नहीं, हालांकि ये पावर प्ले में काफ़ी साधारण शुरुआत दिल्ली कैपिटल्स द्वारा। तीसरा ओवर घटता हुआ, अच्छा ओवर ही घटता हुआ अरशद खान का, 2 रन आए अभी तक 3 गेंदों में मात्र। जरूर बड़े बड़े शॉट्स की तलाश कर रही होगी यहाँ पे दिल्ली कैपिटल्स, और जरूरत भी है उनकी टीम को। कोई मौका नहीं दे रहे यहाँ पे अरशद खान, विकेट की तलाश कर रहे हैं। ओवर की चौथी गेंद कराएंगे यहाँ पे, कोई रन नहीं। खूबसूरत एक और गेंद, 18 पे पहुंची दिल्ली बिना किसी नुकसान के। 2 लगातार डॉट गेंदे, अच्छा ओवर ही घटता हुआ, अभी तक सिर्फ 2 रन दिए हैं। अच्छे पोजीशन बनाने की कोशिश करेगी दिल्ली कैपिटल्स, विकेट बचा के खेलने की कोशिश करेगी दिल्ली कैपिटल्स। हालांकि अच्छा ओवर ही घटता हुआ अरशद खान का अभी तक, अच्छे पोजीशन में। जी हाँ, बेहतरीन बल्लेबाजी करनी होगी दिल्ली कैपिटल्स को, संभल के करनी होगी बल्लेबाजी, विकेट बचा के खेलना होगा उन्हें। काफ़ी अहम ये मुकाबला उनके लिए, काफ़ी ज़रूरी है मैच उनके लिए। ओवर की 5वीं गेंद कराएं यहाँ पे, खूबसूरत सी चौका यहाँ पे, बेहतरीन बाउंड्री लगाई थी पृथ्वी शॉ, अच्छी फॉर्म में दिख रहे हैं, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। वहीं डेविड वार्नर भी लगातार एक साइड से 7 दे रहे हैं, 6 गेंदों में 6 रन बना के। ओवर की आखिरी गेंद, कोई रन नहीं, अच्छा ये ओवर घटा है लखनऊ के नज़रिए से, सिर्फ 6 रन दिए हैं यहाँ पे अरशद खान ने। 3 ओवर की समाप्ति, दिल्ली का स्कोर 22 रन बिना किसी नुकसान के। बेहतरीन यहाँ पे शुरुआत लखनऊ के नज़रिए से, फिर से बड़े शॉट मारने के मौके नहीं दिए हैं। अगर विकेट की तलाश में कामयाब हो जाती है लखनऊ तो फंसा सकती है यहाँ दिल्ली को। 3 चौके लगाए पृथ्वी शॉ ने, 12 गेंदों में 16 रन बना के खेल रहे हैं। 102 गेंदों में 146 रन की दरकार दिल्ली कैपिटल्स को। 22 पे पहुंची है दिल्ली, 7.5 के आसपास का करंट रन रेट, 9.5 का यहाँ, 8.5 का यहाँ पे रिक्वायर्ड रन रेट। बड़ा रन चेस करना है 168 बनाने से, स्टेडियम में काफ़ी बड़ा स्कोर होता है। देखना होगा यहाँ से कैसी और आगे की रणनीति रहती है दिल्ली कैपिटल्स की, बड़े शॉट्स की लगातार तलाश करेंगे। जी हाँ, जरूरत भी है यहाँ पे, फिर से लाया गया है, गेंदबाजी में परिवर्तन करेंगे जरूर यहाँ पे।
केएल राहुल, अच्छे कप्तान है केएल राहुल। 22 पे है दिल्ली, कुछ बदलाव करने की सोच रहे हैं, काफ़ी लंबी डिस्कशन कर रहे हैं केएल राहुल यहाँ निकोलस पूरन से। अच्छे खिलाड़ी हैं निकोलस पूरन, ज़रूर डिस्कशन करना चाहिए। इंजर्ड बता रहे हैं यहाँ बल्लेबाज को, काफ़ी दिक्कत हो रही थी आज पृथ्वी शॉ को पहले ओवर में खेलने में, उनके हाथ में चोट लगी थी, फिर से यहाँ पे लगता है उनको झटका लगा हाथ में, वापस न जाना पड़े पृथ्वी शॉ को। दिल्ली के फैंस यही मना रहे होंगे, अच्छी पोजीशन में दिख रहे हैं, 12 गेंदों में 16 रन बना के खेल रहे हैं, 3 चौके लगा चुके हैं पृथ्वी शॉ, 18 गेंदों में 22 रन की पार्टनरशिप, ठीक ठाक पोजीशन में यहाँ पे। 102 गेंदों में 146 रन चाहिए दिल्ली कैपिटल्स को, 168 करना है चेस, बड़ा है स्कोर वहाँ पे, अच्छी लाजवाब करनी होगी बल्लेबाजी यहाँ पे इस मैच को जीतने के लिए। यहाँ फिजियो मैदान पर काफ़ी टाइम लगाएंगे, यहाँ पे काफ़ी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं पृथ्वी शॉ, दर्द महसूस कर रहे हैं अपने दाहिने हाथ में। डेविड वार्नर 6 गेंदे 6 रन, काफ़ी खामोश बल्लेबाजी, काफ़ी खामोश शुरुआत उनकी, ज़रूरत भी है यहाँ पे टिक करके बल्लेबाजी करनी होगी, आज एक बड़ी पार्टनरशिप खेलनी होगी दिल्ली कैपिटल्स को। यहाँ गेंदबाजी में परिवर्तन, रवि सिंह ठाकुर को लाएं गेंदबाजी करवाने, पिछले मैच में कमाल दिखाया था इन्होंने, आज भी यहाँ पे कमाल की उम्मीद इनसे। चौथा ओवर ये लखनऊ सुपर जायंट्स का, इस इनिंग का चौथा ओवर, एक विकेट की तलाश कर रही होगी लखनऊ जरूर, क्या ये सफलता रवि सिंह दिला पाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट ये मैच दिल्ली कैपिटल्स के लिए, यहाँ मैच जीतना काफ़ी अहम, 5 मैचों में 1 मैच जीता है बस उन्होंने, ये छठा मुकाबला उनका दिल्ली कैपिटल्स का। काफ़ी टाइम ले रहे हैं यहाँ फिजियो, काफ़ी गहरी चोट लगी है यहाँ पृथ्वी शॉ को, हालांकि फिजियो मैदान में इतनी देर रुक गए, यानी पृथ्वी शॉ करते रहेंगे बल्लेबाजी। ओवर की पहली गेंद, डेविड वार्नर कर रहे हैं बल्लेबाजी, स्ट्राइक पे हैं, कोई रन नहीं, अच्छी शुरुआत यहाँ पे रवि सिंह की, पिछले मैच के कमाल की गेंदबाजी की थी रवि सिंह ने, आज उनकी उम्मीद होगी लखनऊ को फिर से एक अच्छे गेंदबाजी करने की, अच्छी शुरुआत की है, कोई रन नहीं दिया है। डेविड वार्नर बड़ा शॉट खेलने गए थे, हाथ खोलने का मौका ढूंढ रहे हैं, हालांकि गेंद काफ़ी फंस के आ रही है, काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं बल्लेबाज को। ओवर की दूसरी गेंद, 1 रन के साथ स्ट्राइक चेंज किया डेविड वार्नर ने, जी नहीं यहाँ पे मिसफील्ड, पहली मिसफील्ड लखनऊ की तरफ से, 1-2 में तब्दील किया, 24 पे पहुंची दिल्ली।
संतुलन बनाया यहाँ पे, अच्छे शॉट्स मार रहे हैं यहाँ पे। पृथ्वी शॉ अच्छी शुरुआत कर रहे हैं यहाँ पे, जरूरत है यहाँ पे। दिल्ली कैपिटल्स को रनों की, पिछले ओवर में बड़ा झटका लगा था यहाँ पे दिल्ली कैपिटल्स को, यहाँ और झटके नहीं देना चाहेंगे यहाँ पे। ठीक ठाक शुरुआत यहाँ पे पहला झटका लगने के बाद, पांचवा ओवर ही घटता हुआ, अरशद खान का तीसरा ओवर ये, काफ़ी अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। एक मौका और था यहाँ रन आउट करने का, ओवर की तीसरी गेंद हो चुकी है यहाँ पे, चौथी गेंद का सामना करेंगे यहाँ, रन आउट का मौका छोड़ा था यहाँ पे। बाल बाल बचे वहाँ पृथ्वी शॉ, ओवर की चौथी गेंद कराएंगे, सामने होंगे मैकगर्ग, फ्रेजर बड़ा शॉट माने गए थे, फ्रेजर तीसरी गेंद पर, ओवर की चौथी गेंद, बॉल एक बार फिर से हवा में और बॉल सीमा रेखा के पार भी, बेहतरीन बल्ले वाली फेजर्स के द्वारा, दूसरी है बाउंड्री, दूसरा है छक्का उनके बल्ले से, खूबसूरत बल्लेबाजी फेजर द्वारा, पांच गेंदे 12 रन, अच्छी बल्लेबाजी, अच्छी शुरुआत यहां पे। 41 पे पहुंच गए दिल्ली कैपिटल्स एक विकेट के नुकसान पर, अच्छी शुरुआत कराई यहां पे, यह जरूरत थी दिल्ली कैपिटल्स को, बड़ा झटका डेविड वार्नर के रूप में लगा था, यहां संभल के चाहेंगे, आगे बल्लेबाजी करना दिल्ली कैपिटल्स, ओवर की पांचवी गेंद, कोई रन नहीं, आराम से फुसला दिया गेंद को, देखना होगा, बड़े बड़े शॉट्स की तलाश कर रहे हैं, अच्छे शॉट्स मार रहे हैं फेजर्ड, 10 रन 11 रन आ चुके अभी तक इस ओवर से अरशद खान के, थोड़ा सा बड़ा ओवर ये, ओवर की आखिरी गेंद कराएंगे यहाँ पे, प्रेशर को और खूबसूरत ये चौका भी मिलेगा, बड़ा ये ओवर दिल्ली कैपिटल्स के लिए, 15 रन इस ओवर से, दिल्ली कैपिटल्स 45 रन एक विकेट के नुकसान पर, पांच ओवर की हुई है समाप्ति, एक ओवर शेष अभी भी पावर प्ले में, खूबसूरत शुरुआत ये दिल्ली कैपिटल्स की, लाजवाब शुरुआत, 9 रन प्रति ओवर से रन बना रहे हैं, 8.20 की दरकार है और, अच्छी बल्लेबाजी, बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में मारा था शॉट, 4 रन बटोरे थे और फ्रेजर ने, 3 ओवर 28 रन, थोड़े महंगे साबित हुए यहाँ, जरूर रवि सिंह को देंगे गेंदबाजी, अगला ओवर, पहले ओवर में एक झटका दिया था उन्होंने डेविड वार्नर के रूप में, और झटकों से बचना होगा यहाँ पे, हार्दिक पांड्या, माफ कीजिएगा कुणाल पांड्या के हाथ में गेंदबाजी यहाँ पे, विकेट की तलाश में और यहाँ पे दिल्ली कैपिटल्स, माफ कीजिएगा लखनऊ सुपर जायंट्स, ओवर की पहली गेंद, एक रन के साथ शुरुआत की यहाँ पे, 46 पे पहुंची दिल्ली, 4 रन दूर अपने अर्धशतक से, अच्छी शुरुआत कह सकते हैं दिल्ली कैपिटल्स की यहाँ पे, 89 गेंदों में 122 रन की दरकार यहाँ पे, 46 पे पहुंच गई है दिल्ली, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों बल्लेबाजों की, एक रन चुराया था वहाँ पे पहली गेंद पर, अच्छी शुरुआत, दूसरी गेंद बहुत बाहर गेंद ये, खराब गेंद कुणाल पांड्या की, 5 रन मुफ्त के मिले दिल्ली कैपिटल्स को, वाइड गेंद साथ में चौका, काफ़ी दूर थी यहाँ पे केएल राहुल से गेंद, नहीं रोक पाए केएल राहुल, खराब शुरुआत कुणाल पांड्या की इस ओवर की, इस 5 रन के साथ दिल्ली कैपिटल्स ने अपना अर्धशतक पूरा किया, 51 पे पहुंची,
एक विकेट के नुकसान पर। काफ़ी बाहर ये गेंद फेंकी थी उन्होंने, मुफ्त के 5 रन मिल गए यहाँ पे। काफ़ी देर तक भागे रवि सिंह वहाँ पे गेंद के पीछे, 1 रन और मिलेगा यहाँ लेग बाई की दिशा में, लेग साइड की दिशा में, माफ़ कीजिएगा, अंपायर ने लेग बाई करार दिया वहाँ पे। अच्छी शुरुआत, 7 रन आ चुके हैं अभी तक इस ओवर से, 2 गेंदों का हुआ है खेल अभी तक मात्र। 52 पे पहुंची दिल्ली, काफ़ी अच्छी पोजीशन हो गई दिल्ली। ओवर की 3री गेंद, खूबसूरत ये चौका फिर से पृथ्वी शॉ के बल्ले से, बेहतरीन ये बाउंड्री, 4 रन, बेहतरीन शॉट ये, लाजवाब बल्लेबाजी दिल्ली कैपिटल्स की अभी तक। खूबसूरत तरीके से रन बना रहे हैं, बेहतरीन शॉट लगा रहे हैं यहाँ पे, रनों की गति को धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं यहाँ पे। पावर प्ले का यह आखिरी ओवर घटता हुआ यहाँ पे, बेहतरीन शॉट लगाया था उन्होंने फाइन लेग की दिशा में। ओवर की अगली गेंद, एक और चौका यहाँ पे, 2 बैक टू बैक चौके यहाँ पृथ्वी शॉ के बल्ले से, खूबसूरत बल्लेबाजी यहाँ पे। 60 रन पे पहुँच गई दिल्ली कैपिटल्स, 2 बैक टू बैक चौके, बड़ा ओवर ये, 15 रन आ चुके हैं अभी तक, 4 गेंदें हुई हैं, काफ़ी महंगा कुणाल पांडे का ओवर, बेहतरीन लाजवाब बल्लेबाजी पृथ्वी शॉ की। अच्छा शॉट मार रहे हैं यहाँ पे, मिड विकेट की दिशा में खेला था शॉट, कोई फील्डर नहीं था वहाँ पे। ओवर की 5वीं गेंद, कोई रन नहीं, खामोश क्या यहाँ पे पृथ्वी शॉ के बल्ले को कुणाल पांड्या, बड़ा ओवर ये घटता हुआ, 15 रन दे चुके हैं। 60 पे पहुँच चुकी है दिल्ली 1 विकेट के नुकसान पर, 1 गेंद अभी भी शेष इस ओवर में, अब 85 पे 108 चाहिए दिल्ली कैपिटल्स को। ओवर की अगली गेंद, बेहतरीन शॉट खेला पृथ्वी शॉ ने, बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट, 2 रन चुराएंगे यहाँ पे, जी हाँ 2 रन कंप्लीट किया, 17 रन आए पिछले ओवर से, दिल्ली का स्कोर 62 रन 1 विकेट के नुकसान पर, 17 रन आए पिछले ओवर में। पावर प्ले की हुई समाप्ति 6 ओवर की यहाँ पे, बेहतरीन बल्लेबाजी, अच्छा कमबैक किया यहाँ पे डेविड वार्नर के विकेट के आने के बाद। थर्ड अंपायर से चेक किया जा रहा है, रन आउट चेक किया जा रहा है, यहाँ पे थोड़े से फंसे थे यहाँ पे आखिरी गेंद पर, नॉट आउट करा दिया। काफ़ी देर हो गया था यहाँ पे के एल राहुल को थ्रो करने में गेंद को, थोड़ा सा फुर्ती दिखाते तो शायद आउट हो सकते थे। निकोलस पूरन का थ्रो था, थोड़ा सा डिले किया पूरन ने। बेहतरीन ये मैच अभी तक घटता हुआ दिल्ली कैपिटल्स के फेवर में, पहली बार इतनी बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखा रही है दिल्ली कैपिटल्स। 6 ओवर, 62 रन 1 विकेट, अच्छी बल्लेबाजी, टाइम आउट का इशारा अंपायर दोहरा यहाँ पे, अच्छा डिसीजन यहाँ पे टाइम आउट लेने का, टाइम आउट के बाद विकेट्स गिरने के चांसेस होते हैं। 2.5 मिनट का अंतराल रहेगा, अच्छी बल्लेबाजी की अभी तक दिल्ली कैपिटल्स ने, अच्छा डिसीजन यहाँ पे क्या लाहौल द्वारा। अब 84 गेंदों में 106 रन की दरकार दिल्ली कैपिटल्स को, 15 गेंदों में 38 रन की पार्टनरशिप, बेहतरीन पार्टनरशिप। वहीं फ्रेशर 8 गेंदों में 16 रन बना के खेल रहे हैं, 200 की स्ट्राइक रेट। पृथ्वी शॉ 19 गेंदे 32 रन, 168 से ऊपर की स्ट्राइक रेट, 6 चौके मार चुके हैं पृथ्वी शॉ। वहीं प्रेशर अच्छे बल्लेबाज साबित हो रहे हैं अभी तक दिल्ली कैपिटल्स के लिए, 2 छक्के 1 चौके लगा चुके हैं, यहाँ और बड़ी पारी की उम्मीद होगी दोनों बल्लेबाजों से। 62 पे पहुंची है दिल्ली, अच्छी पोजीशन में यहाँ पे दिल्ली, इस आईपीएल सीजन में पहली बार इतनी अच्छी तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हैं दिल्ली के बल्लेबाज। जीतना होगा मैच को यहाँ पे, बेहतरीन साझेदारी करनी होगी, और बड़ी साझेदारी बनानी होगी अभी। 84 गेंदों में 106 रन की दरकार मात्र, आराम से बन सकते हैं, 7.5 रन प्रति ओवर चाहिए आपको मात्र, 10.5 बना रहे हैं आप, हालांकि रन पे विराम जरूर लगेगा, यहाँ पावर प्ले खत्म हो चुका है क्योंकि, देखना होगा धीमी गति से 7.5 रन प्रति ओवर, सिंगल डबल लेकर के भी आपका काम चल सकता है, आपको उसी तरह की बल्लेबाजी भी करने की ज़रूरत है यहाँ पे टीम को जीत दिलाने के लिए। बेहतरीन बल्लेबाजी, बेहतरीन शुरुआत यहाँ पे, दिल्ली कैपिटल्स कुछ ही सेकंड शेष टाइम आउट की समाप्ति होने में, 17 रन का बड़ा ओवर कुणाल पांडे का, पिछला ओवर बहुत रन दिए इन्होंने,
यहाँ वापसी करने की जरूर कोशिश करेंगे। अच्छे गेंदबाज है कुणाल पांड्या, पिछले मैच में अच्छे विकेट्स निकाल के दिए थे, अच्छे रन भी बनाए थे, हालांकि आज फेल हुए बल्लेबाजी में और अब गेंदबाजी में भी। वहीं 62 रन पर पहुंची है दिल्ली, लाजवाब पिछले दो ओवर, पिछले ओवर में 17 रन, उससे पिछले ओवर में 15 रन, दो बड़े ओवर निकाल चुकी है यहाँ पे। हालांकि काफ़ी धीमी शुरुआत की थी इन्होंने, अच्छा कमबैक उसके बाद। देखना होगा आगे का मैच कैसा घटता है, कुछ ही सेकंड का खेल शेष, मतलब टाइम आउट में कुछ ही सेकंड शेष। यहाँ गेंदबाजी में परिवर्तन किया, पहली गेंद कोई रन नहीं, रवि बिश्नोई के हाथ में गेंद, सामने होंगे फ्रेशर, नए बल्लेबाज ये दिल्ली कैपिटल्स के, अच्छी बल्लेबाजी करते हैं अभी तक तो, अच्छा बल्लेबाजी किया, आगे टिक के खेलना होगा, संभल के खेलना होगा। बड़े बड़े शॉट्स मारते हैं, दो छक्के एक चौका, अभी तक कोई सिंगल लिया नहीं लिया इन्होंने, बाउंड्रीज में डील किया इन्होंने। रवि बिश्नोई ओवर की दूसरी गेंद, फिर से हाथ खोलने का मौका नहीं दिया, अच्छा छोड़ा वहां पे फ्रेशर ने भी, बेहतरीन गेंदबाज है रवि बिश्नोई, संभल के खेलना होगा इनके प्रति, थोड़ा सा प्रेशर बन सकता है यहाँ पे दिल्ली कैपिटल्स पे, संभल के करनी होगी बल्लेबाजी। ओवर की तीसरी गेंद एक रन के साथ, पहला सिंगल लिया फ्रेशर ने यहाँ पे इस इनिंग का, 63 पे पहुंची दिल्ली, हालांकि गेंद बल्ले पे आ नहीं रही थी उनकी, रवि बिश्नोई के ढंग से स्ट्राइक चेंज किया, फिर भी पृथ्वी शॉ सामने, रवि बिश्नोई, दोनों भारतीय खिलाड़ी यहाँ पे ओवर की चौथी गेंद कराएंगे यहाँ पे रवि बिश्नोई, अच्छा ओवर ही घटता हुआ, एक रन दिया है मात्र अभी तक तीन गेंदों पे, चौथी गेंद कोई रन नहीं, अच्छा ओवर, अच्छी गेंदबाजी, काफ़ी शांत कर दिया इस ओवर में, और हमें लग भी रहा था पावर प्ले के बाद अच्छी रणनीति, यहाँ आप शांति से भी खेल सकते हैं, अभी ज़रूरत नहीं है आपको रिस्क लेने की, 8 रन प्रति ओवर से रन चाहिए वहाँ पे। ओवर की 5वीं गेंद कोई रन नहीं, खूबसूरत ही ओवर रवि बिश्नोई का, एक रन दिया है मात्र, कोई बड़े शॉट खेलने के, हाथ खोलने के, यहाँ सिंगल डबल पे भी विराम लगा दिया। अच्छी यहाँ पे करते हुए बेहतरीन गेंदबाजी रवि बिश्नोई, ओवर की आखिरी गेंद कराएंगे, सामने होंगे पृथ्वी शॉ, एक शॉट मारने की जरूर कोशिश करेंगे, 8 की रिक्वायर्ड रेट चाहिए अभी, बॉल हवा में आखिरी गेंद पर, जरूरत थी यहाँ पे छक्के की या चौके की, पर यहाँ विकेट, बड़ी विकेट यहाँ पृथ्वी शॉ को फंसाया यहाँ पे, फैंस खुश यहाँ लखनऊ के, बड़ा झटका लगा यहाँ पे दिल्ली कैपिटल्स को, जरूरत नहीं थी इस शॉट की जो लगाया यहाँ पृथ्वी शॉ ने, एक बार फिर से नाकामयाब पृथ्वी शॉ इस आईपीएल सीजन में। बड़ा शॉट खेलने गए थे वहां पे निकोलस पूरन की, शानदार यहाँ पे कैच, काफ़ी ख़राब बल्लेबाजी पृथ्वी शॉ, दूसरा झटका लगा दिल्ली कैपिटल्स को यहाँ पे, 78 गेंदों में 105 रन चाहिए, 800 ऊपर की आस्किंग रन रेट, फिरान जरूर लगाया था पर यहाँ बड़े शॉट्स की दरकार नहीं थी यहाँ पे।
अच्छी शुरुआत की थी हालांकि वहां पे, पर नाकामयाब रहे, भुना नहीं पाए मैच को। देखना होगा आगे क्या कमाल दिखा पाते हैं ऋषभ पंत आए बल्लेबाजी करने। कप्तान पंत, पहली गेंद पहला रन, प्रेशर की बल्ले से निकलता हुआ। अच्छी शुरुआत की है, आए मिस्त्री गए मिस्त्री। ऋषभ पंत एक रन चुराया फिर यहाँ पे, अच्छी यहाँ पे लाइनअप देने की कोशिश करेंगे पंत। काफ़ी उम्मीदें होगी आज ऋषभ पंत से या दिल्ली कैपिटल्स की टीम को, थोड़ा सा फंसा हुआ महसूस करेंगे। 67 रन पे दूसरा झटका लग चुका है उन्हें जी। नहीं, पांचवी गेंद, एक खूबसूरत बेहतरीन शॉट, एक रन चुराया यहाँ पे प्रेसर ने। 68 पे पहुंची दिल्ली कैपिटल्स दो विकेट के नुकसान पर। 5 रन आए अभी तक इस ओवर से नवीन उलक के, एक गेंद अभी विशेष। आस्किंग रन रेट काफ़ी तेज़ी से भागता हुआ, जो शॉट लगाए थे वहाँ पे पृथ्वी शॉ ने उसका खामियाजा यहाँ भुगतते हुए दिल्ली कैपिटल्स के दोनों बल्लेबाज खराब शॉट मार के आउट हुए थे वहाँ पे पृथ्वी शॉ। ओवर की आखिरी गेंद कराएंगे नवीन उलग, सामने होंगे यहाँ पे ऋषभ पंत, बड़े शॉट्स की दरकार होगी यहाँ पे जी। नहीं, एक रन के साथ संतोष करना पड़ेगा यहाँ पे। ओवर की भी समाप्ति, 8 ओवर समाप्त, 69 पर 2 दिल्ली कैपिटल्स। अच्छी शुरुआत, अभी भी दो झटके जरूर लग चुके हैं दिल्ली कैपिटल्स को। 72 गेंदों में 99 रन की दरकार, काफ़ी आराम से चेस कर सकते हैं यहाँ पे। बड़े बड़े शॉट्स लगाते हैं फिशर, अभी तक देखा गया है बड़े बड़े शॉट्स खेले इन्होंने, थोड़ी सी संभल के करनी होगी बल्लेबाजी। रवि बिश्नोई आएंगे अगला ओवर लेकर के शायद। जी हाँ, पहले ओवर में एक रन दिया था मात्र, एक महत्वपूर्ण विकेट झटका था यहाँ पे उन्होंने पृथ्वी शॉ का। अच्छी कर रहे हैं यहाँ पे, बेहतरीन गेंदबाजी रवि बिश्नोई द्वारा। ओवर की करेंगे शुरुआत, पावर प्ले के बाद पिछले दो ओवर में काफ़ी विराम लग गया है, मात्र 7 रन आए पिछले दो ओवरों में, एक विकेट भी दिया है दिल्ली कैपिटल्स। थोड़ी सी खराब स्थिति में या ओवर की करेंगे शुरुआत,
अच्छी शुरुआत कहेंगे यहाँ पे अभी दिल्ली कैपिटल्स द्वारा, बेहतरीन शुरुआत 73 पे 2। हालांकि 4 ही रन आए रवि बिश्नोई के इस ओवर से, पिछले ओवर से तो 1 रन आए थे मात्र रवि बिश्नोई के। यहाँ आस्किंग रन रेट 8.5 का जरूर है, पर आराम से चेजे वाले ये रन। 67 गेंदों में 95 रन की दरकार यहाँ पे। आखिरी गेंद कोई रन नहीं, 73 पे पहुंची दिल्ली। 9 ओवर की भी समाप्ति 2 विकेट के नुकसान पर, अच्छी यहाँ पे खेल खेलते हुए।
अच्छी पार्टनरशिप यहाँ दोनों बल्लेबाजों की। स्टॉइनिस से गेंदबाजी करवा रहे हैं, शुरुआत ओवर की, एक रन मात्र। अच्छी शुरुआत, 91 पे पहुंची दिल्ली 2 विकेट के नुकसान पर। अच्छा ये मैच घटता हुआ अभी तक दिल्ली कैपिटल्स के पक्ष में। यहाँ से आराम से बल्लेबाजी करके आपको आखिर तक जाना होगा और आराम से आप मैच जीत भी सकते हैं। 12वें ओवर का खेल चलता हुआ ये दिल्ली कैपिटल्स के लिए। ओवर की दूसरी गेंद, कोई रन नहीं। अच्छी गेंदबाजी स्टॉइनिस की, अच्छी शुरुआत स्टॉइनिस की गेंदबाजी की। आराम से करवा रहे हैं गेंदबाजी, फंसाने का मौका ढूंढ रहे हैं, यहाँ पे तीसरा विकेट तलाश रहे हैं यहाँ पे दिल्ली कैपिटल्स का, और जरूरत भी है यहाँ पे लखनऊ सुपर जायंट्स को दिल्ली कैपिटल्स के विकेट्स लेने का। यहाँ अच्छी करते हुए यहाँ पे बल्लेबाजी दोनों बल्लेबाज, कैच ड्रॉप किया था दूसरी गेंद पर, हालांकि काफ़ी मुश्किल कैच था रवि बिश्नोई के लिए, पर बना सकते थे वहाँ बिश्नोई कैच। ओवर की तीसरी गेंद, एक रन के साथ स्ट्राइक चेंज करेंगे फ्रेशकर। 92 पे पहुंची दिल्ली, 8 रन दूर अपने शतक से दिल्ली कैपिटल्स। यहाँ शतक तो पूरा करेंगे, ये मैच को फिनिश करने की कोशिश करेंगे। ऋषभ पंत अच्छी पोजीशन में यहाँ पे 15 गेंदों में 21 रन बना के खेल रहे हैं। जरूरत है उनकी टीम को यहाँ अच्छे से बल्लेबाजी करने की, मैच बना सकते हैं यहाँ पे। ऋषभ पंत आए स्ट्राइक पे, देखने वाली बात क्या वहाँ पे भी क्या कुछ कमाल दिखा पाएंगे ऋषभ पंत। ओवर की चौथी गेंद कराएंगे स्टॉइनिस, सामने होंगे ऋषभ पंत। काफ़ी टाइम ले रहे हैं, फील्डिंग सेट कर रहे हैं, जरूरत भी है। ओवर की चौथी गेंद, खूबसूरत ये बेहतरीन शॉट ऋषभ पंत का, 4 रन मिलेंगे यहाँ पे। बेहतरीन शॉट, ये दंदनाता हुआ बाउंड्री दिल्ली कैपिटल्स के लिए। खूबसूरत ये चौका, 96 पे पहुंची दिल्ली।
फैंस के हाथों में गेंद, खूबसूरत ये छक्का यहाँ पे। ओवर की तीसरी गेंद, बॉल हवा में फिर से और एक और बेहतरीन छक्का यहाँ पे। दो बैक टू बैक छक्के यहाँ पे प्रेशर के बल्ले से मिलते हुए। यहाँ जरूरत थी रन्स की यहाँ पे दिल्ली कैपिटल्स को, दो बेहतरीन छक्के लाके दिए। दूसरी गेंद, बड़ा ओवर ये, 13 रन आ चुके हैं, दो गेंदें हुई है मात्र। अच्छी बल्लेबाजी यहाँ पे दिल्ली कैपिटल्स के बल्लेबाजों द्वारा। मैच में पूरी तरीके से हावी दिल्ली कैपिटल्स अभी, 46 गेंदों में 55 रन की दरकार। खूबसूरत यहाँ पे एक्स्ट्रा कवर्स की दिशा में छक्का मारा था यहाँ पे। चार गेंदें शेष अभी 20 ओवर से, 13वें ओवर का खेल होता हुआ यहाँ पे। दिल्ली कैपिटल्स 113 रन दो विकेट के नुकसान पर, रश कर 13 रन दूर। ओवर की तीसरी गेंद यहाँ पे, बॉल एक बार फिर से हवा में और बॉल फिर से सीमा रेखा के पार। तीन बैक टू बैक छक्के यहाँ पे फ्रेश करके बल्ले से। 45 गेंदों में मात्र 49 रन की दरकार, 119 पे पहुंची दिल्ली दो विकेट के नुकसान पर। तीन बैक टू बैक छक्के मार दिए यहाँ पे फ्रेश कर ने। काफ़ी मायूस यहाँ पे लखनऊ के फैंस, और होना भी बनता है। बेहतरीन 33 गेंदों में 56 रन का पार्टनरशिप, लाजवाब यहाँ पे बल्लेबाजी। खूबसूरत सामने की तरफ दिया था लॉन्ग ऑफ की दिशा में ये छक्का यहाँ पे। ओवर की चौथी गेंद यहाँ पे वाइड गेंद फिर से, 20 रन का ये ओवर, तीन गेंदें हुई है मात्र। बड़ा ओवर ये घटता हुआ दिल्ली कैपिटल्स के नज़रिए से, 20 रन आ चुके इस ओवर में। पूरी तरीके से दिल्ली कैपिटल्स इस मैच में हावी यहाँ पे लखनऊ के स्टेडियम में। पहली बार लखनऊ को 160 के ऊपर रन बनाए लखनऊ ने, और उनको हराने के लिए तैयार। ओवर की अगली गेंद, कोई रन नहीं, 120 पर दिल्ली दो विकेट के नुकसान पर। अच्छी गेंदबाजी यहाँ पे नहीं कर रहे कुणाल पांड्या, दूसरा ओवर फेंक रहे हैं। 36 रन दे चुके हैं अभी तक, दो गेंदें अभी भी शेष है इनके ओवर में। यहाँ बेहतरीन बल्लेबाजी फ्रेश कर की, 7 रन दूर अपने यहाँ पे अर्धशतक से। 29 पर ऋषभ पंत बल्लेबाजी कर रहे हैं। ओवर की पांचवी गेंद, कोई रन नहीं, मौका यहाँ पे ढूंढ नहीं रहे फ्रेश कर, जरूरत भी नहीं है बड़े शॉट्स के मौका ढूंढने का, ऑलरेडी बड़ा ओवर हो चुका है ये। एक गेंद शेष अभी 20 ओवर से, अच्छी यहाँ पे करते हुए गेंद बल्लेबाजी। ओवर की आखिरी गेंद, फ्रेश कर सामने आखिरी गेंद पर, क्या एक और बड़ा शॉट आ सकता है इस ओवर में। 20 रन ऑलरेडी आ चुके हैं इस ओवर में, बड़ा ओवर हो चुका है जी नहीं, एक रन के साथ स्ट्राइक अपने पास रखेंगे फ्रेश कर। 121 पे पहुंची दिल्ली दो विकेट के नुकसान पर। 13 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है यहाँ पे। अच्छी पोजीशन में दिल्ली, अच्छी जगह पे दिल्ली यहाँ पे। अब मात्र 42 गेंदों में 47 रन चाहिए, 6.5 का यहाँ पे आस्किंग रन रेट। आसानी से मैच जीत सकती है दिल्ली यहाँ से, सिर्फ विकेट बचा के टिक के खेलना होगा आपको। लखनऊ पहली बार 160 से ऊपर स्कोर बनाने के बाद मैच हारेगी। इतिहास में पहली बार, आईपीएल इतिहास में लखनऊ की टीम जब से खेलना शुरू की है पहली बार ये मैच हारेगी 160 बनाने के बाद। क्या आज ही वो दिन होगा, क्या दिल्ली कैपिटल्स हरा सकती है, क्या यहाँ मैच में कुछ मोड़ आ सकता है यहाँ पे। यहाँ पे एक दो विकेट चटका लिए तो मैच पूरी तरीके से बदल भी सकता है, देखने वाली बात होगी। 13 ओवर समाप्त हो चुके हैं, यहाँ टाइम आउट का इशारा नहीं किया एम्पायर ने, यानी ये मैच अभी चलता रहेगा। हालांकि 13 ओवर के बाद कभी भी टाइम आउट ले सकते हैं आप, 2.5 मिनट का ब्रेक। जी हाँ, यहाँ 14वां ओवर डालने आए हैं। बेहतरीन पहली गेंद और बॉल हवा में, यहाँ क्या सफलता मिलेगी जी नहीं, बाउंड्री मिली यहाँ पे। रवि सिंह फ्रेश कर 48 पे पहुँच गए यहाँ पे इस बाउंड्री के साथ, दो रन दूर अपने अर्धशतक से। बेहतरीन बल्लेबाजी, पहला मैच खेल रही है दिल्ली कैपिटल्स के लिए, लाजवाब यहाँ पे बेहतरीन बल्लेबाजी। 4 रन बटोरे, 125 पे पहुंची दिल्ली दो विकेट के नुकसान पर। अच्छी शुरुआत यहाँ पे, लाजवाब शुरुआत। बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में मारा था ये चौका, दो रन दूर अपने अर्धशतक से। ओवर की दूसरी गेंद, रवि सिंह की सभी गेंदबाजों की पिटाई और एक और बाउंड्री यहाँ पे। इस चौके के साथ अर्धशतक पूरा करेंगे फ्रेश कर अपना। 52 रन पे पहुंचे फ्रेश कर, 31 गेंदों का किया सामना। 129 पर दिल्ली दो विकेट के नुकसान पर, कंफर्म किया जा रहा है जी नहीं, चौका नहीं मिलेगा यहाँ पे। बेहतरीन फील्डिंग की थी, एक रन बचाया अपनी टीम के लिए फील्डर ने। अच्छा शॉट खेला जरूर था फ्रेश कर ने, पर क्या बेहतरीन फील्डिंग यहाँ पे, फिर भी 3 रन लेने में कामयाब। अर्धशतक फिर भी पूरा यहाँ पे फ्रेश कर का। अच्छी गेंद थी वहाँ पे, फाइन लेग की दिशा में टहला दिया था। खूबसूरत फील्डिंग की थी वहाँ पे फील्डर ने, पूरी जी जान झोंक दी थी। जी हाँ, काफ़ी अच्छी पोजीशन में यहाँ दिल्ली कैपिटल्स। ओवर की तीसरी गेंद कराएंगे रवि सिंह।
दो गेंद शेष अभी 20 ओवर में, देखना होगा क्या कमाल दिखा पाते हैं यहाँ पे। पांचवी गेंद बेहतरीन है, छक्का फिर से ऋषभ पंत के बल्ले से अब निकला, लाजवाब ये शॉट ऋषभ पंत का। दिल्ली कैपिटल्स पूरी तरीके से मैच अपने झोली में करने जा रही है अब। 37 गेंदे 32 रन, पहली बार लखनऊ मैच हारेगी 160 बनाने के बाद। ओवर की आखिरी गेंद कराएंगे यहाँ पे रवि सिंह, सामने होंगे ऋषभ पंत, बड़े शॉट्स की दरकार नहीं। वाइड गेंद, खराब गेंद यहाँ पे, मैच खत्म होने के कगार पे 36 गेंदों में 32 रन चाहिए दिल्ली कैपिटल्स को। हम चलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरे मैच का आनंद उठाने के लिए। टाटा बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना।